First of all, good afternoon everyone. Let's start. Done. जान लगा दे. अच्छा इस चैप्टर थोड़ी सी बोरियत हो सकती है तो प्लीज पहले से ही खुद के अंदर अगर कोई भी और नेगेटिव थॉट्स हो कहीं जाने का मन हो गर्लफ्रेंड की याद आ रही हो तो डिलीट कर देना ठीक है. वैसे याद आने वाली जरूरत है नहीं. कमिंग डाउन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट कर रहे थे. सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्त पहली बात समझनी है FDI ODI. मैंने आपको दो वर्ड्स पढ़ाए थे. FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ODI वाज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. हमने कहा था इनका सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है. जब आप बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम कहना चाह रहे हैं बाहर से इन्वेस्टमेंट जब तुम्हारी कंट्री में शूट होता है आप इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हो. जब आप ODI बात करते हो दिस इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब भारत का इंसान बाहर पैसा शूट करता है इसे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है. सिंस चैप्टर 6 में अपन ने ODI पढ़ा था फिर मेंबर हमने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था कैसे एक इंडियन रेसिडेंट एंटिटी बाहर जा सकती है और पैसा इन्वेस्ट कर सकती है. अब आप पढ़ने वाले हो कैसे एक बाहर की एंटिटी हमारे भारत में आ सकती है और भारत में आके भारत की जगहों पे इन्वेस्ट कर सकती है. तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या FDI आज जो कंडीशन में है हमेशा से ऐसा था या वी हैव रेगुलेटेड वी हैव चेंज्ड इट. अगेन अगर आप देखेंगे FDI हमारे भारत में हमने कहा था कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है. सिंस हम लोग इतने साल कॉन्कर्ड रहे हैं सिंस हम लोगों को इतना बुरी तरह से डोमिनेट किया गया था हम लोग कभी भी बाहर के इन्वेस्टमेंट्स हमारे बिजनेस में नहीं आने देते थे. दिस वर्ड पर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपने छोटे टर्म में नहीं एक ब्रॉडर टर्म में समझना है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक बाहर कोई एंटिटी है एक बाहर कोई बिजनेस है एक बाहर कोई इन्वेस्टर है जिसके पास पैसा है. तुम्हारे पास एक आइडिया है तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्टिव है पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है. सोच के देखना यहाँ बैठे हर इंसान के पास आज एक बहुत फाड़ू सा आइडिया होगा पर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के करंट पैसे नहीं है. और इस टाइम पे अगर कुछ करंट पैसों को कोई भर दे तो मालिक तुम खुद को मानोगे जो पैसे लगा रहा है उसको दे दोगे. आपने कहा जो पैसे लगा रहा है ना उससे हमारा प्लान इन आ रहा है तो उसकी वजह से मुझे कुछ ओनरशिप देनी पड़ेगी. तो जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो बाहर से कोई इंसान तुम्हारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा के उसके ऊपर ओनरशिप अक्वायर करने वाला है. बात अभी भी खत्म नहीं हो रही है. बाहर का इंसान पैसा लगाएगा तुम्हारे बिजनेस में ओनरशिप अक्वायर करेगा प्लस आगे चल के तुमसे बोलेगा कि अब यहाँ का प्रॉफिट जो मैं यहाँ कमा रहा हूँ मैं बाहर लेके जाऊँगा. तो तुम्हारा आइडिया तुम्हारे देश में बस आया खाली कुछ दिन के लिए तुम्हें पैसे देके गया और अब तुमसे पैसे कमा के वापस जाएगा. ग्रोथ हमसे ज़्यादा किसी और की हो रही है तो हम यही सोच के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरबिड प्रोहिबिट करते थे. हम कहते थे नहीं हमें नहीं चाहिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हम लोग अपने हिसाब से मैनेज करेंगे. पोस्ट लिबरलाइजेशन जब हम लोग लिबरलाइजेशन की बात करने लगे वी जेन्युइनली रियलाइज्ड वन थिंग दैट आप अकेले कुछ भी कर लो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर नहीं कर सकते. आप लोगों ने कभी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेंगी तो कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी कभी ग्रोथ के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी. जस्ट फॉर एन एग्जांपल आज आप जापान चले जाइए. जापान के पास आज इतना पैसा है कि अगर आप उनसे लोन लोगे तो वो शायद आपको 0.1% 0.7% 1% 2% 3% पे लोन दे देंगे. हमारे यहाँ पे अगर आप FD छोड़ो सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा कराओगे तो 4-6% ब्याज तुमको देते हैं कि तुम हमको दो इतने पैसे. दिस शोज वॉट कि हमारे पास पैसा नहीं है बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर ये कम पैसा है. ओवर द टाइम आप एक बात समझना US कल्चर जब आप US कल्चर में जाएंगे ना तो US कल्चर सेविंग्स को फोरबिड करता है कहता है कि सेविंग्स मत करो उड़ाओ आप इकोनॉमी में पैसा चलाओ. क्यों वो बोलेगा अगर तूने मेरे पास सेविंग्स अकाउंट में डाला ना 1% इंटरेस्ट दूंगा बेटर उड़ा ले. आपने कहा यार कल मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आपका इंश्योरेंस कंपलसरी होता है. हमने इंडिया के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों का इंश्योरेंस कंपलसरी रखा है हेल्थ इंश्योरेंस नहीं. यू नो दिस फैक्ट. सो हमारे हिसाब से देखो इंसान तो फिर पैदा कर लेंगे हम गाड़ी महंगी चीज है बनवा नहीं पाओगे ठीक है. सो अगेन हमारी प्रायोरिटीज अलग है. हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ पे गाड़ी कंपलसरी है इंसान की जान नहीं. तो US ने कहा कि गाड़ी एक बार ना भी हो इंसान की जान ज्यादा जरूरी. वन सेकेंड आज आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट करना है बहुत शानदार आइडिया है आपने कहा काम करना है जाओ किसी बैंक के पास और अपना आइडिया सुनाओ. देखो मतलब क्या क्या सुनाओगे तुम जाके मतलब सोच रहे हो तुम उसको कुछ भी बोलो उसको क्या सुनाई दे रहा होगा. मैं मुर्गी लाऊंगा वो अंडा देगी उससे एक और मुर्गी फिर दो और अंडे दो मुर्गी और दो अंडे और ऐसे करते करते मैं पोल्ट्री फार्म खोल दूंगा. बस वो तुम्हारी यही बात सुनता रहेगा और तुमको कुछ लोन सैंक्शन नहीं करेगा. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टेट आउट हियर बैंक आपको यहाँ पे लोन नहीं देती बिजनेसेस के लिए. आप बोलते हो सेव करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे. US कहता है जब चाहिए अतबा. इंटरेस्ट रेट कितना 2% 2.5% 3% क्वाइट बेरेबल यस. तो आपने कुछ भी खरीदना है तो बैंक बोल रही पैसे के लिए मैं हूं ना और कोलेट्रल की जरूरत नहीं है तू कहां जा रहा है मैं भी इधर ही अपन देख लेंगे मैनेज करेंगे डर मत इतना. इसीलिए US की लाइफ अपन कहते हैं यहाँ पे सिंपल है
एज कम्पेयर टू इंडिया. अब हम कहते हैं कि सोचो बाहर इतनी सिंपल लाइफ चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि बाहर पैसों की कमी नहीं है. बहुत बढ़िया. बट अगेन, यूएस को जब रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो वो इंडिया भागेगा. यूएस को बोलो कि दाल उगा के दिखा, पर खाएंगे तो सही? उसके लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा. चावल होगा, इंडिया आना पड़ेगा. तो कहीं रिसोर्सेज के उनको हमारी जरूरत है. सेकेंड, द अदर वे राउंड, हमको भी ये सारे काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है जितने हमारे पास सफिशिएंट नहीं है. आज प्रैक्टिकली स्पीकिंग अपने देश में बुलेट ट्रेन बनने जा रही है. हम खुद के पैसों से नहीं बना रहे, वो हमने वो लोन लिया है और वो भी पता नहीं कहाँ है, पर हम सुन रहे हैं कि बुलेट ट्रेन आएगी, देख लेना तुम. ठीक है ना? आई है क्या? देखी क्या किसी ने? नहीं ना. इट्स एज गुड एज फ्रीडम 251, अगर आपने इस मोबाइल का नाम सुना हो तो. सुबह 6 बजे ऑर्डर करना था, 6 महीने के अंदर प्रोडक्शन होकर आपके घर पर झंडा लगा हुआ फ़ोन आ जाएगा. क्या लगा हुआ आया? ठीक है. सो कमिंग डाउन बैक, सो वट वी आर ट्राइंग टू स्टेट आउट इज कि ये बुलेट ट्रेन का आपने सुना, हमारे पास पैसे नहीं थे, बाहर से लेके आए हो. क्या है ये सब? बाहर से आप इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हो, देश के अंदर यहाँ पे पैसा ला रहे हो. अब इसने बोला कि ये सब है ना, जब बाहर के लोग आपकी कंट्री को एक फेवरेट डेस्टिनेशन समझेंगे तब वो इन्वेस्ट करेंगे. बात समझना, अगर आज मुझे कोई बोलेगा पबजी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज पबजी इज डेवलप्ड, पबजी इज यूज बाय एवरीवन. तुम क्या उखाड़ लोगे पबजी के अंदर? क्या इंसान के ऊपर हेलीकॉप्टर घुमाओगे? नहीं ना. क्या कर लोगे और? मतलब अच्छा, आज आपकी सोच के हिसाब से मुझे पबजी में वेरिएशंस बता दो. मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे छुटपुट बत यहीं खत्म हो जाएंगे. सर ये अपडेशन है. क्यों लगा रहे हो पबजी पे पैसे? वो डेवलप्ड है. इसी जगह पे इन्वेस्टर से पूछो. अच्छा आज इन्वेस्टर से पूछो कि आप बाइजू में पैसे लगाओगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि बाइजूज अब प्रॉफिट अर्निंग स्केल पे आ चुका है. अब वो तुमको भाव नहीं देगा, अब वो तुमको रिटर्न्स नहीं देगा, अब वो तुम लोगों से 100 करोड़ पे शायद तुमको 1% डिविडेंड देने की बात करेगा, जबकि पहले वो 100 करोड़ में खुद तुम्हारे पास रहता. इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि वो डेवलप हो गया. हर किसी का इंटरेस्ट होता है डेवलपिंग के ऊपर. द आइडिया इज कि डेवलपिंग पे इन्वेस्ट करो ताकि उसकी ग्रोथ के साथ साथ तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा. डेवलप्ड खाली उधर रहता है, डेवलपिंग उधर पहुंचता है. दैट्स द पॉइंट. इसीलिए हर इन्वेस्टर ढूंढता है एक डेवलपिंग कंट्री जहां पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे और वहां के लोग उसे यूज करके उसे मल्टीप्लाई करें. एनीवन वुड इन्वेस्ट इन पाकिस्तान फॉर नो गुड रीजन? मतलब आप कोई भी एक गुड रीजन दो, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. मतलब करोगे क्या तुम? पैसा लेके बम बना दोगे? तो इससे अच्छा है कि आप लोग ना दो उधर पैसा. सेकेंड, एनीवन वुड इन्वेस्ट इन इंडिया? यस, इंडिया रोज कुछ ना कुछ नई चीजें लेके आ रहा है. अगर आज आप सर्च करोगे ग्लोबल सर्वेस के हिसाब से तो इंडिया अमंग्स द टॉप 5 कंट्रीज है जहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इनोवेटिवनेस बहुत ज्यादा है. इनोवेटिवनेस के साथ आजकल है ना, पीपल जो यूथ आया है दैट हैज कम अप विद रिस्क बेरिंग केपेबिलिटी एज कम्पेयर टू पहले का जो आपके इंसिस्टर्स से बात कर लो. आप कोई हल्की सी रिस्क की बात करोगे बड़े घबरा के कहेंगे कि मत करना, और आप लोग देख लो क्या क्या जोखिम लेके पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस. हमारे एक तरीके में, हमारे कंडक्ट में चेंज आया है. हम इंडियंस ने अपने आप को एक मोर रिस्क बेरिंग साइड बनाई और अगेन प्रूव होते जा रहे हैं. बहुत सही, बाइजूस वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म सेट होता जा रहा है आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन में. इवन फॉरन में भी इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं हुआ जितना अपन लोगों ने इसको यहाँ पे कर दिया एक बार के अंदर. इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाई द टाइम 2022 इंडिया विल बी $3 trillion इंडस्ट्री फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. सोच के देखो. और अभी कितनी है? इनटू मिलियंस, और वो भी सिर्फ बाइजूस की वजह से. बाकी पूरा एम्बिटी खाली पड़ा है ऑनलाइन एजुकेशन का, और सिर्फ आने वाले 5 साल के अंदर इतना वेरिएशन आने वाला है. तो सोचो कि कितना बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन होगा. कैसे बाहर का इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट न करे जब उसे पता है कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्ट आना है? पाकिस्तान, श्रीलंका, क्या बड़ा होगा? एक तो अच्छी चीज़ थी तुम्हारे पास, वो भी हमारे एक्टिंग कर रही है. करोगे क्या तुम? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. मतलब जैकलिन यहाँ है ना, तो बस है क्या तुम्हारे पास उधर? सब तो यहाँ पे. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टेट आउट इज कि जैसे आप बात कर लो श्रीलंका की, पाकिस्तान की, नेपाल की, इन लोगों में कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा. इन लोगों को बोलेंगे आते पोस्ट सॉरी प्री लिबरलाइजेशन इंडिया को भी ऐसे बोलते थे, पर इंडिया खुद ही नहीं बुलाता था. ओवर द टाइम इंडिया कि नहीं हमें जरूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की, और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एंटर करते ही मोदी भाई को एक प्लेन खरीद के दे दिया. कहा तू ही चालू करके निकल जाया कर, जहां तेरा मन हो पहुंचे लैंड किया कर और बात बात कर लिया कर. ठीक है? तो इसीलिए अपने को पता नहीं होता, वो जहां लैंड कर जाता है, जहां वहां का बंदा मिल गया, अपने को बस लैंड करने का है, बस वहां जाके चालू हो जाएगा बात करना. और सबके साथ एक ही बात करनी है अपने, हमारे देश में पैसा लगाओ. पोस्ट नरेंद्र मोदी हैज कम डाउन, मतलब शायद ये नंबर अब चेंज हो गया हो, बट जितना मैंने लास्ट कंसेंसस पढ़े थे उसने 63 कंट्रीज विजिट मारी FDI लाने के लिए. अच्छा अब अपने हिसाब से अपन कहेंगे साला
घुमक्कड़ गुजराती, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ये कि 63 कंट्रीज है कि पागल है क्या साले, मतलब फ़ोन पे भी बोल सकते हैं भाई अपन अभी पीएम बने, वो एफडीआई का कुछ हो सकता है क्या, उधर जाने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा कर रहे हो देश का, जितना तो एफडीआई लाएगा नहीं उससे ज़्यादा तो तेल फूका है उड़ा उड़ा के, ठीक है। अब आपके कंसर्न्स ही हैं, ये जेन्युइन कंसर्न्स है। अच्छा, पर अब मैं अगर इसी के सामने एक फैक्ट बोलूँ कि यूएस में जब ओबामा आए थे फॉर हिज फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप, उन्होंने 67 कंट्रीज घूमी थी फॉर एफडीआई। अब आपको अचानक से मोदी के अंदर भगवान दिखने लगे कि आदमी बहुत अच्छा है, देव मानस है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे इसमें देव मानस आ रहा है ना, उसके लिए ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ना अब अचानक से तुमने एक डेवलप्ड कंट्री की प्रैक्टिस इंडिया के अंदर होती हुई देखी, तुमको अच्छी लगने लग गई कि हाँ अब सही है। इसी जगह अगर डेवलप्ड कंट्री कहती है कि व्हाट इडियोटिक थिंग इज गोइंग ऑन, आप बोलते कि मोदी बेवकूफ है। फर्क समझ में आ रहा है दोनों के अंदर क्या चल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मोदी ने सबसे ज्यादा कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा है। अब ज्यादा से ज्यादा आने का मतलब क्या, सर कोई इनिशिएटिव बता दो जो एक्चुअली उसने लिया हो। मेक इन इंडिया, ही सेड टू चाइनीज पीपल, तुम अपने यहाँ पे जो भी आओ मचाओ करते हो करते रहो, अगर हमारे यहाँ पे कुछ भी बेचना है यहाँ आओ, यहाँ बनाओ और फिर यहाँ के लोगों को बनाओ। फर्क समझ में आया, यू गेट द पॉइंट। अच्छा, मेक इन इंडिया इज अ बिग फ्लॉप, वाई? अच्छा है ना, आप कभी समझना, हम लोग बड़े संभलते भी हैं, हम रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं कहीं आपको एंट्री करने से, कहीं आने भी देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कभी कभार बाहर के एंट्री करने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। चाइना ने हमारी टॉय इंडस्ट्री ख़त्म कर दी इंडिया के अंदर। आज आप इंडिया के अंदर कोई खिलौना नहीं देखते, सर देखते तो हैं, इंडिया का खिलौना नहीं देखते, सब बाहर से बन के आता है। और एक टाइम था इंडिया टॉय इंडस्ट्री में बहुत क्वालिटी टॉयज़ बनाया करती थी, चाइना आया। अच्छा, आपको एक टाइम याद है जब चाइनीज़ फ़ोन आए थे बाज़ार में, आज से जस्ट गो 5 years back चाइनीज़ फ़ोन का, और आवाज़ होती थी, स्पीकर बजते थे, पता नहीं ढोल बज रहा है, ऐसी हालत होती थी, इतनी तेज साउंड, टच स्क्रीन फ़ोन 2000 में 2500 में, पता नहीं क्या क्या कर दिया, और मतलब फ़ोन्स की कॉपी निकाल दी। आप नोकिया का फ़ोन होते देखो, चाइनीज़ में नोकिया का फ़ोन एकदम कॉपी करके निकाल दिया। चाइना आया था और इंडियन फ़ोन सेक्टर को जिस बुरी तरीके से उसने हिलाया था, जिसकी कोई हद नहीं है, बट इवेंचुअली वो क्यों नहीं चला, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी। तो ओवर द टाइम पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग, और प्लस फिर उसकी इज्जत जियो जैसी हो गई, ठीक है, मतलब एकदम सस्ता वाला, किसी के हाथ में अगर तेज फोन बज रहा है तो चाइनीज़ फ़ोन है, चिल्लाने का एकदम से, अपन लोग ऐसे बात करते थे। तो ओवर द टाइम इंडिया के अंदर चाइनीज़ फ़ोन का ट्रेंड खत्म हो गया, बट सारी फ़ोन इंडस्ट्रीज चाइना पहुंच गई। सबने कहा कि भाई तू हमारे फ़ोन बना लिया कर, पर हमें बेचने दे। आज आप कोई भी फ़ोन उठा लो, सब मेड इन चाइना होता है, फ्रॉम रियल मी टू एप्पल, एवरीथिंग इज सेट इन चाइना। बट आई हैव अ क्वेश्चन विद दिस, हाउ कैन रियल मीज क्वालिटी is not that amazing and how Apple's quality is that amazing if the same production is done in China? That's the point. China ki quality mein problem nahi hai. Aap China mein price batate ho kitne banane hai, China aapko bana ke de deta hai utne mein. That's their market. Aur humne unko kya bola ki ab tu yahan aur yahan bana, China wale ne kaha nahi aaunga. Chahe kuch bhi kar le. Aur tere bazaar mein phir bhi main hi bikunga. Aur ek baar ke liye Make in India fail ho gaya. Second reason kyun? Opposition ne support nahi kiya. अपने को बिजनेस वेंचर्स को सपोर्ट करना था, लोन देने थे, इंडिया के अंदर उठाना था, किसी ने नहीं किया, हैंस अपना मेक इन इंडिया कंसेप्ट फेल हुआ। इसी के ऊपर पूरी पॉलिसीज अब डिस्कस करनी है अपन ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। जब एक बाहर का इंसान हमारे इंडिया के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, कौन कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या एक NRI मेरे भारत में इन्वेस्ट कर सकता है, क्या एक फॉरेनर मेरे भारत में, क्या NRI और फॉरेनर में फर्क होता है? फॉरेनर बाहर ही पैदा हुआ, बाहर ही रहता, NRI यहां पैदा हुआ और अब बाहर रहता है। श्योर इनफ, FDI is an investment in one country from another country in any type of business entity. आप कोई business में पैसा लगा रहे हो, like a company, partnership firm and LLP. Foreign direct investment provides a situation wherein both the host and the home nation derive some benefit. US का investor मेरे देश में पैसा लगा रहा है, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है? 40% tax भरेगा, बाहर के businesses से आ रहा है, remittance करते वक्त पैसे अलग लेके जाएगा, लेके जा रहा है, मेरे foreign reserve सुधर रहे हैं, US की currency मेरे पास आ रही है, benefits है। US वाले को भी benefit है, कुछ भी कर ले अगर यहां पे प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट वापस लेके जाएगा। यस, तो दोनों की कंट्रीज की तरफ प्रॉफिट रहते हैं FDI अगर आपके पास आ रही है तो। एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम एनी अदर कंट्री अदर देन इंडियन इन्वेस्टमेंट इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया इज अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अमंग्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स। टू प्रोमोट FDI द गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी। पहले के टाइम पे परमिसिबल लिस्ट हुआ करती थी और अब नेगेटिव लिस्ट है, मतलब पहले बताया जाता था कहाँ इन्वेस्टमेंट अलाउड है, अब बताया जाता है कहाँ इन्वेस्टमेंट डिसअलाउड है। गवर्नमेंट हैज पुट इन सम इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज वेर इन एक्सेप्ट फॉर स्मॉल नेगेटिव लिस्ट मोस्ट सेक्टर्स आर ओपन फॉर 100% FDI।
100% बाहर से एफडीआई आ सकती है, सिर्फ नेगेटिव लिस्ट में नहीं आने देंगे, या फिर नेगेटिव लिस्ट में हम लोग आपको इतने ही परसेंट तक आने देंगे। नेक्स्ट अप इज व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप बता दो व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर का पैसा हमारे यहाँ के बिजनेस में आता हुआ, बाहर का बंदा यहाँ के प्रॉपर्टी खरीदता है, इज दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? आपने कहा कि नहीं यार प्रॉपर्टी खरीद रहा है, या एफडीआई कैसे हो सकता है? बिजनेस पर्पस। एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। यहां तक कोई डाउट नहीं? इन अदर वर्ड्स एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल एनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री लाइक यूएसए, इंग्लैंड, जापान इन एनी बिजनेस एंटिटी लाइक अ कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप शैल बी नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस गोज एन एग्जाम्पल आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट आर मेड इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। नाउ कम्स डाउन टू हु आर द एलिजिबल इन्वेस्टर्स एंड हु आर द एलिजिबल इन्वेस्टीज। इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है, इन्वेस्टी जिसको आप पैसा दे रहे हो, इसने बोला पहली बात इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, बाहर से कौन कौन इंसान पैसा लगा सकता है। सबसे पहला कोई भी नॉन रेसिडेंट एंटिटी, कोई भी नॉन रेसिडेंट एंटिटी आपके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। दूसरा, अच्छा देखो हम ऐसे इजीली फॉरेनर्स को हमारे यहाँ पे ओनरशिप अक्वायर नहीं करने देंगे, कोई तो इंडिया से रिश्ता होना चाहिए या फिर तू फॉरेनर साइड में कोई अच्छे डेजिग्नेशन वाला आदमी होना चाहिए। बस इस लाइन को याद रखना। पहला नॉन रेसिडेंट एंटिटी, सेकेंड NRI इन नेपाल एंड भूटान को अलाउ किया है। नॉन रेसिडेंट एंटिटी, NRI इन नेपाल एंड भूटान। थर्ड कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय NRI। डू यू सी ऑल द पॉइंट्स आर इंक्लूडिंग द वर्ड NRI? दे हैव ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट द इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ पर्सन जिसका इंडियन रूट से कोई कनेक्शन हो, वरना नहीं आने दे रहे वो आप लोग को। श्योर है अभी तक कितने कितने लोग आपने बोल दिया कोई नॉन रेसिडेंट एंटिटी, सेकेंड कोई NRI ऑफ भूटान एंड नेपाल, थर्ड बहुत बढ़िया कोई कंपनी जिसको कंट्रोल किसने कर रखा है NRI, किसी NRI ने, फोर्थ अब आया कोई डेजिग्नेशन वाला इंसान FII, FPI, ये मेरे को लगता है विकास सर ने आपको सिक्योरिटी लॉज में बताया होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। डू यू नो दिस? बता दो जल्दी से। इंस्टीट्यूशन रहते हैं फॉरेन से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो गया, इन्वेस्टर मतलब पैसे लगाएंगे, सही एकदम। और कोई मतलब सोच रहे हो कि इग्नोर कर रहे हो? इग्नोर ही मानो आप एक बार, अगर आता हो तो अभी तक बोलने देते, आप में भी अक्कल तो होनी चाहिए। चलो ठीक है, आ जाते हैं वापस से। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, कमिंग डाउन टू FII क्या होता है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या होता है ना, ये बाहर का एक बंदा होता है जो यहाँ पे आके सेबी से रजिस्ट्रेशन लेता है कि आप मेरे को इंडिया के अंदर क्या बुलाना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बुलाना, और मैं क्या करूंगा बाहर जितने भी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं जो मेरे देश में पैसा लगाना चाहते हैं, मैं इनके लिए एक स्कीम बनाऊंगा, इन द नेचर माइट बी अ पोर्टफोलियो स्कीम, या फिर मैं आपके लिए एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करके दे दूंगा कि सारे बाहर के फॉरेनर्स मेरे पास पैसा लगाएं, आपको उनको जानने की जरूरत नहीं, मेरी जिम्मेदारी आप छोड़ दो, मैं सबके KYC वेरीफाई करके आऊंगा, आपका काम क्या है मेरे को वेरीफाई करो, आपका काम क्या है मेरे को रजिस्टर करो, कल अगर कोई पैसा गलत आया मेरी जिम्मेदारी होगी, आप उन सबको छोड़ दो और मैं आऊंगा आपके यहाँ पे पैसा लगाने। और ये पैसा एक्चुअली होगा किनका? बहुत सारे मेरे पीछे जो फॉरेन इंडिविजुअल्स होंगे उनका, उसको आप बुलाते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। श्योर इनफ, एक बार देख लो चार चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, NRI नॉन रेसिडेंट एंटिटी, कोई कंपनी कंट्रोल्ड बाय NRI, FII, FPI, फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट। हाँ जी, फॉरेन वेंचर कैपिटल पता है क्या होता है? हाँ जी, ये विकास सर का एग्जांपल है ना, ओला वाला, हाँ मुझे लगा ही था। चलो ठीक है, आ जाओ, बिल्कुल सही है। वैसे वेंचर कैपिटल की जब आप बात करते हैं तो वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई पर्टिकुलर वेंचर जो एक स्टार्टअप नेसेंट स्टेज में होता है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको बोलते हो कि मैं उनको वेंचर कैपिटल फंड दे रहा हूँ। नाम मिलेगा, इट्स अ वेंचर कैपिटल फंड, फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर आई एम प्रोवाइडिंग यू कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ फंड, वेंचर कैपिटल फंड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज VCF। अब इसने इसके आगे लगा दिया F स्टैंड्स फॉर फॉरेन, तो अब इसने क्या बोला कि यही वेंचर कैपिटल फंड जब फॉरेन से आता है तो आप उसको फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बुलाते हो। सही बात है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। गोइंग अहेड, NRI बाय सब्सक्राइबिंग टू नेशनल पेंशन सिस्टम, इन सब लोगों को अलाउड है हमारे देश में पैसा लगाना। नॉन रेसिडेंट एंटिटी, NRI नेपाल भूटान, कंपनी ट्रस्ट,
FII, FPI, FVCI and NRI in pension scheme. अच्छा पैसा लगा का सकते हो जहाँ मन पड़े वहाँ लगाओ. इंडियन कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरी, ट्रस्ट, LLP, FDI इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, FDI इन स्टार्टअप कंपनीज, कहीं भी लगाओ. पर ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते एनी ऑफ द अबव, या फिर आप ऐसा लिख देंगे जो तू सोच सके. तो इंडियन कंपनी, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरी, LLP, मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पर्सन की डेफिनेशन में सर ने इनकम टैक्स में बताई होगी, सब लिख देना. साथ में डाल देना इन्वेस्टमेंट्स, FDI इन स्टार्टअप्स एंड FDI इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल. व्हाट इज FDI इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, मान जाऊंगा तुम लोगों को, और ये विकास सर ने सिखाया तुमको. व्हाट इज FDI इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट व्हीकल, नो वन? AIF सुना है नाम, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. AIF कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट कंपनी, LLP, पार्टनरशिप. नहीं? एंड व्हाट डू AIF डू? दे रेज फंड्स बाय इशूइंग प्राइवेट इक्विटी. नहीं, इट्स अ प्राइवेट पूल्ड फंड ऑफ हाई नेट इंडिविजुअल्स इन द फॉर्म ऑफ हेज फंड्स और समथिंग लाइक दैट. इफ यू कुड रिमेंबर दिस, दैट्स AIF. AIF क्या करता है? AIF आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है, बड़े बड़े लोगों से पैसा लेता है और इन्वेस्ट कर देता है. आपको सर ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पढ़ाया होगा, रीट. अरे हो, लोग गोबर करते हैं, तुम क्या गोबर पे कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रीट नहीं पढ़ाया अभी तक? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नहीं पढ़ाया, फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नहीं पढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. मतलब कोई खानदानी झूठ है, 100% रीट है तुमको सिलेबस में. म्यूचुअल फंड, CIS, AIF, वो तीन पढ़ाए होंगे मुझे पता है, पर रीट भी होगा आपका, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, थर्ड लास्ट चैप्टर रीट है. हट हट गया तुम्हारे इसमें से. हे भगवान, चलो ठीक है फिर मान लेते हैं आपकी बात. अच्छा जल्दी से एक बार प्लीज इसके अंदर की थ्योरी देख लीजिए. नॉन रेसिडेंट एंटिटी के लिए क्या कह रहा है, अब देखना. अपन बेइज्जती करने वाले हैं सबसे पहले. हमने कहा और कुछ भी हो, पर एक कंट्री है जिसके आड़े हम हमेशा खड़े रहेंगे. अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया. अ सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश कैन इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट रूट. हमने क्या बोला, कोई भी नॉन रेसिडेंट एंटिटी हुई ना, आ जाना, इन्वेस्ट कर लेना. पर अगर वो एंटिटी बांग्लादेश में बनी है या फिर कोई बांग्लादेश के सिटीजन उसको चलाते हैं तब भी आप आना, पर ऑटोमेटिक रूट से मत आना. मैंने आपको दो रूट सिखाए थे, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट. ऑटोमेटिक रूट क्या होता था, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, ऑथराइज डीलर से बात करो, इन्वेस्ट करना. और गवर्नमेंट रूट, RBI का अप्रूवल लेके इन्वेस्टमेंट करते थे. हमने कहा तू बांग्लादेशी है, हम तो तेरे से मैच हार जाए तो हमें इतना बुरा लगता है अलग लेवल पर, तू पूछ क्या, बगल से आना होगा विथ प्रायर परमिशन ऑफ RBI. अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमने कहा आ जा तू इधर आ. हमने कहा देख तेरी वजह से तो हमने इतने सारे सेक्टर बनाए हैं, तो वहां तो तू आना ही मत. अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एंट्री इनकॉर्पोरेट इन पाकिस्तान कैन इन्वेस्ट ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट रूट, पहली बात. एंड इवन एक्सेप्ट डिफेंस में मत इन्वेस्ट करना. मतलब वाह, मतलब हम चूहे मारने के लिए पिंजरा खरीद रहे थे और तू पिंजरे में इन्वेस्ट कर रहा है, फायदा क्या बन रहा है? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, भैया रख दीजिए हम बांट लेंगे. डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड सेक्टर्स एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. हमने कहा तू तो कहीं पे भी डिफेंस नामक चीज में मत आना, तेरी वजह से ही डिफेंस है. भैया हम बांट लेंगे हम. सेकेंड, NRI इज इन नेपाल एंड भूटान. साहब जी, NRI इन नेपाल एंड भूटान एज वेल एज सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस. अच्छा बेटू, जब कभी भी आप रिपैट्रिएशन पढ़ोगे, नॉन रिपैट्रिएशन पढ़ोगे, एक जीवन का लॉजिक देता हूँ, कभी भी कहीं भी पढ़ना. अगर रिपैट्रिएशन लिखा है इसका मतलब है आप पैसा लेके आए हो और लेके जा भी सकते हो. मैं यहां हूं और मैं पैसा कहीं भेजू, इसको कहते हैं पैसा रेमिट करना. मैं कहीं गया और वहां पैसा कमाया और कमाने के बाद मेरे घर वालों को यहां भेजा, रिपैट्रिएशन. वापस भेजना रिपैट्रिएट होता है, रेमिट मतलब भेजना, फर्क समझ में आया? वापस भेजना रिपैट्रिएट, रेमिट मतलब भेजना,
समझ में आई? अब हमने क्या बोला कि तू नेपाल से है, आओ स्वागत है, और रिपैट्रिएशन बेसिस पे आना। रिपैट्रिएशन बेसिस का मतलब क्या होगा, तू पैसा लेके आया है और तू वापस लेके भी जा सकता है। कहीं कहीं पे इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बोलने वाला हूं ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। व्हाट डज नॉन रिपैट्रिएशन सिग्निफाइज, कि तू जो मुद्दल पैसे लाया था वो ले जाना, पर यहां पे जो कमाएगा वो यहीं उड़ाएगा। सर ये क्या बात हुई, मतलब आप तो गजब बात कर रहे हो, हम यही कमाएं पर हमको यहां की सॉफ्टी नहीं पसंद, हम यहां क्यों खाएं? नॉन रिपैट्रिएशन आने के लॉजिक हमेशा याद रखना, हम उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि तुम हमारे इन्वेस्टमेंट मत करो, तभी हम तुमको नॉन रिपैट्रिएशन का रूट दे देते हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत कम सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर अपन नॉन रिपैट्रिएशन वर्ड यूज करेंगे, पर जब भी नॉन रिपैट्रिएशन वर्ड आए ना, इसका मतलब समझ जाना इंडिया उसको डिग्रेड कर रहा है कि तू मत आ, स्टिल आना चाहता है, हमें क्या करना, आ पैसे नहीं ले जाने देंगे यहां से। तो नेपाल भूटान हमने कहा तुम लोग क्या ही लाओगे, जो भी लाना ले आना, रिपैट्रिएशन बेसिस है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सच इन्वेस्टमेंट शैल बी पेड ओनली बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। आप जो पैसा ला रहे हो वो हमारे आरबीआई से परमिशन लेके इनवर्ड रेमिटेंस मतलब भारत में लेते हुए जब आओगे तब एकदम फ्री बैंकिंग चैनल से लाना, कोई दूसरे तरीके से पैसा मत लाना। तो जो पैसा आप भारत के अंदर ऑथराइज डीलर से बात करके परमिशन लेके लेके आओगे, वही पैसा हम आपको वहां पर ले जाने देंगे। अगर बिना पूछे तुम पैसा डायरेक्ट यहां पर लेके आए तो हम तुमको ले जाने नहीं देंगे। इज देयर एनी कंट्री विच वाई वुड दे, इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वर्ल्ड इज वन। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब दैट डजंट मीन हमारा किसी को मना करना इन्वेस्टमेंट का, रीजन है कि भाई जैसे हम नेपाल में फॉरेन एक्सचेंज आपको विड्रॉ नहीं करने देते, इसका रीजन है क्योंकि हमारी करेंसी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम कहते हैं कि क्यों तुम नेपाल की करेंसी लेके जा रहे हो जब इंडियन करेंसी वहाँ हाईली एक्सेप्टेबल है, तो मत लो ना, अपनी करेंसी जाके यूज़ करो वहाँ पे, यहाँ से उनकी करेंसी विड्रॉ करके जाते हो, हमारे रिजर्व्स खत्म कर रहे हो, मत करो, अपन स्ट्रॉन्ग है, मत दो वहाँ पे इतनी करेंसी, इसलिए मना करते हैं। बाकी कोई रीज़न नहीं है ऐसा, हर जगह पे इंडिया इज़ अ वेरी अच्छा, इंडिया इज़ अ वेरी फ्रेंडली कंट्री। इंडिया को कहीं पे भी आप कभी भी देख लो तो इंडियंस को गाली पड़ सकती है, इंडिया को नहीं पड़ेगी कभी भी गाली, आप नोटिस करके देखना। बिकॉज इंडिया ने आज तक ना कभी किसी पर पहली बार वॉर किया, ना इंडिया ने आज तक किसी को उंगली करी, ना हमने किसी को कैप्चर किया। आप कभी भी करके देख लो किसी कंट्री को हमसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मेरी जान में तो आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा दैट इंडिया इज बीन डिबार्ड स्पेसिफिकली फॉर समथिंग। आ जाते हैं थर्ड, कंपनी ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप। अ कंपनी ट्रस्ट पार्टनरशिप फॉर्म इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एनआरआई कैन इन्वेस्ट इन इंडिया विद द स्पेशल डिस्पेंसेशन एज अवेलेबल टू एनआरआईज अंडर द एफडीआई पॉलिसी। तो जैसे एनआरआई आ सकते हैं वैसे ही फॉरनर्स भी आ सकती, फॉरन एंटिटीज भी आ सकती हैं। FII और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसको एक झटके में बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ लेना। एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तुम्हारे अंदर, तुम्हारी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10% की ओनरशिप रख सकता है। एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तुम्हारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10% की ओनरशिप रख सकता है, और सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तुम्हारी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 24% की ओनरशिप रख सकते हैं। ये बात समझ में आई? उसके बाद नीचे उसने लिखा है कि ये 24% की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, बस उसमें आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप 24% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकते हो। जल्दी रीड करके देख लो। जाने क्या फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, अ सेबी रजिस्टर्ड FVCI में कंट्रीब्यूट अप टू 100% ऑफ द कैपिटल ऑफ एन इंडियन कंपनी एंगेज इन एनी एक्टिविटी मेंशन्ड इन शेड्यूल 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर FEMA 20-2000 इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्टर इन विच इट इज एंगेज अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो FVCI को अपन ने 100% अलाउ किया है उन जगहों पर इन्वेस्ट करना जहां पर हमने 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिसेबल रखे हैं। तो ये जो FEMA का 2000 का नोटिफिकेशन है यहाँ पे सारी लिस्ट है दैट व्हाट ऑल आर परमिसेबल, अब ये चेंज हो चुकी है और वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव लिस्ट आ गई। तो प्रैक्टिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि नेगेटिव लिस्ट डोंट के एक फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है अप टू 100%। अ सेबी रजिस्टर्ड FVCI कैन इन्वेस्ट इन अ रजिस्टर्ड डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड और अ रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 AIF। अच्छा बेटू व्हाट इज कैटेगरी 1 AIF कह दो, ये भी नहीं है हमारे पोर्शन में।
थोड़ी देर में कह देना कि सेबी भी कहीं था हमारे यहाँ, सिक्योरिटीज मार्केट, हम 7 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं। हाँ मतलब कहाँ कहाँ दौजत में जगह नहीं मिलेगी। नहीं AIF कैटेगरी 1 अब क्या दोस्त, 6-7 साल पहले पढ़ा था और अब तो पोर्शन में भी नहीं है, अब तो AIF इंडिया से हट गए। कुछ तो नया बोलो, एक तो कोई रीज़न दे दो, मतलब इतनी देर से जैसे पहले दे रहे थे। अच्छा AIF की कितनी कैटेगरीज होती है, क्या बात है। F1 जो कैटेगरी 1 होती है, इसका मतलब है ये स्टार्टअप्स में पैसे लगाती है। AIF कैटेगरी 1 का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाना। AIF कैटेगरी 3 डाइवर्स कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट करती है जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के अंदर विश्वास रखती है, जैसे कि NSE और BSE में अगर शेयर की प्राइस में 50 पैसे का फर्क आ रहा है तो NSE से एंट्री मारेगी, BSE से एग्जिट ले लेगी। तो ये सारे जो तरीके हैं वो कैटेगरी 3 फॉलो करती है, और कैटेगरी 2 खुद से भी बोलता है जो 1 और 3 में नहीं आती है, एकदम ठीक है। तो दैट्स हाउ द 3 कैटेगरीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इफ यू रिमेंबर टू दिस। अब इसने क्या बोला, अ सेबी रजिस्टर्ड FVCI कैन इन्वेस्ट इन अ रजिस्टर्ड डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड और अ रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 AIF। सच इन्वेस्टमेंट शैल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू द एक्सटेंट फेमा रेगुलेशन एंड एक्सटेंट FDI पॉलिसी इंक्लूडिंग द सेक्टोरल कैप। मतलब कि एक फॉरन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हमारे स्टार्टअप में पैसा लगा सकता है, हमारे AIF में पैसा लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है। बस उसको ध्यान के रखना है जितना हम उसको आगे चल के सेक्टोरल कैप बता दें कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने 50% FDI अलाउ किया है, तो तू मैक्सिमम इस यूनिट के अंदर कितना लगा पाएगा, 50% ही। तो हमने कहा तेरे लिए कोई अलग रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए हमने अलग रेस्ट्रिक्शन देना, तू भाई अपना तू लोड मत ले, तू बस इतना ध्यान रखना जो सबके लिए लागू होगा वो तेरे लिए भी लागू होगा। इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन इक्विटीज और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी, LLP और यूनिट इशूड बाय VCF और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, आइदर थ्रू परचेज बाय प्राइवेट अरेंजमेंट, आइदर फ्रॉम द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी और फ्रॉम एनी अदर पर्सन होल्डिंग द सिक्योरिटी ऑन अ रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब इसने क्या बोला, आप कहीं से भी खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन इक्विटीज या फिर इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट। आपने अगर AIF ढंग से पढ़ा होगा ना, वहाँ पर भी ये नाम था इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट। आप किसी की इक्विटी में लगा दो या उसका कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इक्विटी ट्रेड होती है, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी, LLP और यूनिट्स इशूड बाय VCF और AIF, आइदर थ्रू परचेज बाय प्राइवेट अरेंजमेंट, आइदर फ्रॉम द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी और फ्रॉम एनी अदर पर्सन। मतलब आप फॉरेन वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूट का, सॉरी FVCI आपकी कंपनी में डायरेक्ट इक्विटी खरीद सकता है, या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीद सकता है जिसमें आपकी इक्विटी चलती हो, GDR, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसकी अंडरलाइंग एसेट आपकी इक्विटी शेयर होते हैं। याद है ये बात, कह दो IDR, ADR, GDR भी नहीं था है? ठीक है कहाँ गए अपन, इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी, डायरेक्टली कंपनी से खरीद लो, या फिर आगे चल के अगर कोई सेकेंडरी मार्केट में उसको ट्रांसफर कर रहा है तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके भी उसको खरीद सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटीज बांट दो ना, एक मिनट सब लोग पहले नोट्स ले लो। अभी तक आपको इन्वेस्टर्स पता पड़ गए थे, इन्वेस्टीज कौन कौन थे जल्दी बताना, एनी कंपनी, LLP, पार्टनरशिप, स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट और ठीक है जल्दी 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 अब एक बार है ना ये वाला पेज देख लीजिए। गाइस गाइस प्लीज जल्दी रीड मारो, आपने सिर्फ ना FDI इन्वेस्टमेंट व्हीकल तक रीड करना है, उसके बाद ई वाला पॉइंट मैं बताऊंगा स्टार्टअप कंपनीज जो है ना।
कुछ डाउट आ रहा है क्या? यू वॉन्ट मी टू रीड विथ यू? डायरेक्ट 100% एफ डी आई इज अलाउड है, उसमें कुछ भी पढ़ने का है नहीं, इतना जल्दी कर लेना बस। हाँ जी पहुंच गए, इतना सा तो पढ़ना है। जस्ट ब्रैडली, LLP में क्या था इन्वेस्टमेंट का तरीका? मतलब जब मैं पूछा तभी तेरे को क्वेश्चन आया, अब नहीं। हम पहले तो बता, तो बता LLP। नहीं पता मुझे, तू LLP बता, तूने तो पढ़ लिया था ना, तेरे को डाउट नहीं होना चाहिए। वापस पढ़ रहा है? रीड कर लो, पूरा ही पढ़ा रहा हूँ।
अपना आईपीसी हो गया ना ऊपर फर्स्ट ग्रुप में, बी का सेकेंड पॉइंट रेस्ट्रिक्शन बताऊं, आप कह रहे हो एक सेम। अच्छा पहला इन्वेस्टिंग एंटिटीज इंडियन कंपनी, सबसे पहले इंडियन कंपनीज कैन इशू कैपिटल अगेंस्ट एफडीआई, एफडीआई ले सकते हैं उसके बदले में अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न्स, सो एनआरआई और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन इन्वेस्ट इन कैपिटल ऑफ अ फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इन इंडिया ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। वापस से, बाहर के एनआरआई, बाहर के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है अभी के लिए, कैन इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ अ फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इन इंडिया ऑन रिपैट्रिएशन, ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। नॉन रिपैट्रिएशन का मतलब प्रॉफिट नहीं लेके जाएंगे। अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय इनवर्ड रेमिटेंस और आउट ऑफ एनआरई, एफ सी एन आर एंड एन आर ओ अकाउंट। क्या ये कौन से अकाउंट है? एन आर ई, नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज अकाउंट, एफ सी एन आर फॉरन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, एन आर ओ नॉन रेसिडेंट ओवरसीज अकाउंट, कुछ भी याद नहीं अपन ने। अकाउंट मेंटेन विद ऑथराइज डीलर ऑथराइज बैंक्स। अब इसने क्या बोला, बाहर का इंसान, बाहर का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारत में पैसा ला सकता है और लगा सकता है। अब देखो इनको नॉन रिपैट्रिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एनआरआई है। एनआरआई का मतलब क्या होता है, मतलब एक टाइम पे सिटीजन था, अब नहीं है, पर इसकी फैमिली तो यहाँ भी हो सकती है, तो वो यहाँ पे पैसा ला सकता है, बिजनेस में लगा सकता है और यहाँ का पैसा का प्रॉफिट अपनी फैमिली को दे सकता है, यूज़ कर सकता है, 100% कर सकता है। अब इसमें इसने नेक्स्ट बोला, द फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न इज नॉट एंगेज इन एनी एग्रीकल्चर प्लांटेशन और रियल एस्टेट बिजनेस और प्रिंट मीडिया सेक्टर। आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो फर्म कभी भी कौन से काम नहीं करनी चाहिए, एग्रीकल्चर वाला काम नहीं करनी चाहिए, प्लांटेशन वाला या रियल एस्टेट वाला काम, तीनों चीज़ें मना करिए अपन ने। अमाउंट इन्वेस्टेड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिपैट्रिएशन आउटसाइड इंडिया। ऑब्वियसली जब ऊपर नॉन रिपैट्रिएशन लिखा है तो नीचे बात रिपीट है। इन्वेस्टमेंट विद रिपैट्रिएशन ऑप्शन, अगर आप चाहें तो आपको रिपैट्रिएशन ऑप्शन भी मिल सकता है कि हम हमारा पैसा वापस लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारा परिवार अब यहाँ पर नहीं रहता। पर इसके लिए NRIPIO may seek permission from RBI for investment in sole proprietor concerns partnership firm with repatriation office। मतलब क्या हुआ, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे आप ऑटोमेटिक रूट से एंटर कर सकते हो, पर अगर आपको रिपैट्रिएशन बेसिस चाहिए तो किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, RBI का अप्रूवल लगेगा। द एप्लीकेशन विल बी डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट अदर देन NRIPIO PIO, a person resident outside India other than NRI or PIO may make an application and seek prior approval of RBI for making investment in the capital of a firm on a proprietorship concern। क्या समझ में आया यहाँ पे? देखो ऊपर जब NRI और PIO आ रहा था ना तो हमने उनको पैसा लगा दिया, पर अगर मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट इंसान है आउटसाइड इंडिया अदर देन मे मेक एन एप्लीकेशन टू सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, मतलब तेरे को कौन से रूट से आना पड़ेगा, गवर्नमेंट रूट से आना पड़ेगा, जबकि NRI और PIO को आपने कौन से रूट से बुलाया, ऑटोमेटिक रूट से। फर्क समझ में आ गया? रेस्ट्रिक्शन, एंड NRI और PIO इज नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन अ फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न एंगेज इन एग्रीकल्चर। हमने किसी को भी एग्रीकल्चर, हमने किसी को भी प्लांटेशन या फिर रियल एस्टेट या फिर प्रिंट मीडिया में इन्वेस्ट करने से मना कर रखा है। बाहर का कोई भी इंसान होगा उसको अलाउ नहीं किया जाता, फिर आप NRI हो या फिर PIO हो उससे ही फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी जल्दी बढ़ो, इन सब मैंने बताने तो बता दो। मैं वहां पे मैं LLP हूं,
मैं बाहर से पैसा लाया, आप भी LLP हो, आप भी LLP हो, मेरी सेक्टर में काम करते हो, या फिर आप मेरी सब्सिडरीज हो, या फिर आप ऐसे इंडिपेंडेंट हो, मैं आपके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। पर मैं आपके अंदर इन्वेस्टमेंट कब कर पाऊंगा, जब आप लोग भी वही काम कर रहे हो जिसमें 100% FDI अलाउड हो। पहले आप अपना LLP पूरा पढ़ लें, अगर कोई डाउट आ जाए तो बताते हैं। आगे पूरा FDI है वो। अब पूरा आ गया समझ में? हाँ बोले, अब तो आ रहा है भाई। वो जब तू बोला था ना LLP में 100% FDI डाउनस्ट्रीम अलाउड हो, तभी हमको शक आया था। जल्दी जल्दी रीड कर। हाँ जी, हो गया। जहां जहां पे PDI है ना, वहां पे FDI कर देना। आ गए मतलब? अभी एकदम सिंपल है। डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम का इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ गए? आपने पैसे लिए और अपनी सब्सिडरीज में पैसा आगे बांट दिया। नाउ कमिंग डाउन टू FDI इन स्टार्टअप्स। चलो, स्टार्टअप कैन इशू इक्विटी और इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंडरलाइंग एसेट क्या है? इक्विटी शेयर्स। और डेट इंस्ट्रूमेंट टू फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स अगेंस्ट रिसीट ऑफ फॉरेन रेमिटेंस। अगर बाहर से कोई पैसा लाता है तो स्टार्टअप भी आपको सारी सिक्योरिटीज दे सकता है जो एक नॉर्मल कंपनी दे सकती थी। इन एडिशन, स्टार्टअप्स कैन इशू कन्वर्टेबल नोट्स टू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इन ब्रैकेट के अंदर नहीं पढ़ना, मे परचेज कन्वर्टेबल नोट्स इशूड बाय इंडियन स्टार्टअप फॉर एन अमाउंट ऑफ अप टू 25 लाख रुपीज और मोर इन अ सिंगल ट्रांच ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, इसको ट्रांसी बोलते हैं, ठीक है एकदम। दैट्स ट्रांजैक्शन। अब इधर मतलब समझना, इसने क्या बोला कि कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोई भी एक इंसान एक बार में 25 लाख या उससे ज्यादा का सिंगल ट्रांजैक्शन में ही आपके ऑप्शंस बाय कर सकता है। अब आपके सामने एक वर्ड आ रहा होगा, कन्वर्टेबल नोट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल नोट्स? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? जो डिबेंचर आगे चल के कन्वर्ट हो जाते हैं, खत्म। जो नोट आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल नोट। सर, क्या ये एक तरीके की डेट है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स एन ऑप्शन जो फ्यूचर में चल के आपको क्या दे देगी? कंपनी के शेयर्स दे देगी। आप रीड करके देख लो, लाइन एकदम क्लियर है। कोई भी इंसान 25 लाख या उससे ज्यादा के एक सिंगल ट्रांजेक्शन में परचेजिंग कर सकता है यूनिट्स की। हाउएवर, आप ब्रैकेट देखो, इज्जत लूटने का टाइम है। अदर देन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश और एन एंटिटी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपको जब भी आना हो पीछे से पहले RBI के पास जाओ, परमिशन लो, उसके बाद आना, ठीक। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? एक प्राइवेट कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो। प्लीज जल्दी चल लीजिए। अप्रूवल रूट जल्दी बता दो। अप्रूवल रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? कब आपको RBI से अप्रूवल लगेगा? अ स्टार्टअप कंपनी एंगेज इन सेक्टर वेयर FDI रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल में इशू कन्वर्टेबल नोट्स टू अ नॉन रेसिडेंट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी सेक्टर में LLP काम कर रहा है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने FDI 100% अलाउ ही नहीं किया है। अगर इन लोगों को अपने सेक्टर में FDI चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा? पहले
Sure enough. Next, receiving consideration. A startup company issuing convertible notes to a person resident outside India shall receive amount of consideration by inward remittance through banking channels. आपको याद है मैंने कहा था जो banking channel से जाओगे वही banking channel से वापस ले जा पाओगे. However, an escrow account for the above purpose shall be closed immediately after the requirement are completed or within a period of 6 months, whichever is earlier. First, what is escrow account? एक special account जो सिर्फ specific purpose के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आप पैसे रख देते हो, जैसे ही काम खत्म हो जाता है वो पैसा आप ले लेते हो या फिर जिसके लिए रखा था उसको दे देते हो. श्योर है? अब इसने क्या कहा, आपने एक एस्क्रो अकाउंट बनाया है फॉर द अबव पर्पस. पैसा लेने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा. ऑफ द अबव शैल बी क्लोज इमीडिएटली आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड. आपकी तरफ से सारी खानापूर्ति पूरी हो गई, एस्क्रो बंद करो और पैसे लेके निकल जाओ. और अगर तुम्हारी तरफ से खाना पूर्ति 6 महीने में पूरी नहीं हुई तो एस्क्रो अकाउंट तब भी खत्म करो, वो बंदा अपने पैसे वापस लेके जाएगा. बात समझ आई? ये आपने बनाया एस्क्रो अकाउंट. श्योर? इसमें पैसे आए, जैसे ही तुम लोगों ने सारे कंप्लायंसेस कर लिए, जैसे ही तुम लोगों ने सारे कंप्लायंसेस कर लिए, यहां पर एक चीज नक्की हो गई. जैसे ही तुमने सारे कंप्लायंसेस कर लिए कि अब यह एस्क्रो का पैसा निकल के कंपनी के पास आ जाएगा. पर अगर 6 महीने हो गए और तुम अभी तक कंप्लायंस नहीं कर पाए तो ये पैसा वापस सोच क्या हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा. श्योर इनफ? प्लीज वो हाउएवर वाली लाइन वापस रीड करना. सिंपल. नेक्स्ट अप, इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई. एनआरआई मे अक्वायर कन्वर्टेबल नोट्स ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस. क्या होता है नॉन रिपैट्रिएशन? प्रॉफिट वापस नहीं लेके जाना. इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 4 ऑफ फेमा ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशन 2000. अब ये कंडीशंस याद रखना, कब नॉन रिपैट्रिएशन लग रहा है, कितना पैसा ले जा सकते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है. नेक्स्ट वाला कट कर दीजिए और उसकी तरफ से लिख दीजिए नेक्स्ट वाले पॉइंट को कट करके. एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मे परचेज कमर्शियल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई. कोई दिक्कत नहीं. दो तरीके के रूट्स हैं, एंट्री रूट्स. पहला अप्रूवल, दूसरा ऑटोमेटिक. अगर अप्रूवल है तो किसका अप्रूवल लगेगा? आरबीआई का. आप इसने क्या लिख दिया यहाँ पे, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. और ये पावर किसको दिया हुआ है एक्चुअली? आरबीआई को. और ऑटोमेटिक रूट के अंदर अप्रूवल ऑफ आरबीआई या फिर आप बोलते हो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. श्योर इनफ? देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एंटिटीज लाइक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी इन इंडिया. एंड इंडियन कंपनी में रिसीव एफडीआई थ्रू टू रूट्स. दो रूट से पैसा मिल सकता है. पहला रूट कौन सा है? ऑटोमेटिक. बेटा ऑटोमेटिक का मतलब आप सबको पता है, जहां आरबीआई का इंटरफेरेंस नहीं है, खाली ऑथराइज डीलर से बात करो और पैसा ले आओ. जल्दी रीड करके देख लो ऊपर के तीन पॉइंट, तीन लाइन. बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट अप, गवर्नमेंट रूट. FDI and activities not covered under the automatic route requires prior approval of government. Proposal for foreign investment under government route are considered by respective administrative ministry and department.
Foreign investment in sectors under approval route will be subject to central government's approval, where an Indian company is being established with foreign investment and is not owned by a resident entity. कब कब आपको government के पास जाना पड़ेगा, मतलब कब कब government route की जरूरत है? सबसे पहला, एक भारत में कंपनी बन रही है, बाहर के पैसों से बन रही है, पर उसका मालिक भारत का नहीं है, मतलब मालिक बाहर से है. सेकेंड, एन इंडियन कंपनी इज बींग स्टैब्लिश विथ फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड इज नॉट कंट्रोल्ड बाई अ रेसिडेंट एंटिटी. इसमें कुछ फर्क है क्या? नहीं सर, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है. आपने दो बार लिखा है, वो जो ओन्ड और कंट्रोल्ड है ना, वो कुछ फर्क नहीं है, सेम है. देखो, एक में था ना मालिक तुम हो, और दूसरे में ना मालिक शायद तुम होगे पर कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है. दोनों ही सिचुएशंस में आपके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है, और दोनों ही सिचुएशन में फॉरेनर के हाथ में कंट्रोल जा रहा है. हम दोनों ही केसेस में ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा. थर्ड, द कंट्रोल ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी करंटली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेसिडेंट विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियन सिटीजंस विल बी ट्रांसफर्ड टू अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी थ्रू अमलगमेशन मर्जर एक्विजिशन. चलो, ये वाला पॉइंट आप समझाओगे, 10 सेकंड का टाइम है. बहुत ही बढ़िया यार, बहुत सिंपल सा पॉइंट था. इंडियन कंपनी जिसके अंदर आप पैसा लगा रहे हो, जिसके बाद इंडियन कंपनी इंडियन न रहे, किसी और की हो जाए, नॉट अलाउड. किसका अप्रूवल लगेगा पहले? गवर्नमेंट का. एंड लास्ट, द ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी करंटली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय इंडियन रेसिडेंट विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडिया सिटीजन विल बी ट्रांसफर टू अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू नॉन रेसिडेंट एंटिटी बाय अमलगमेशन मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन. फर्क पता पड़ा दोनों में क्या है? सेम, कंट्रोल और ओनरशिप. ऊपर भी कंट्रोल और ओनरशिप के ऊपर ही बात करी थी आप लोगों ने. नोट, एनी इक्विटी होल्डिंग बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ एनी डेट इंस्ट्रूमेंट अंडर एनी अरेंजमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. प्लीज मार्क दैट इंपॉर्टेंट. एनी इक्विटी होल्डिंग बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ एनी डेट इंस्ट्रूमेंट अंडर एनी अरेंजमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरन इन्वेस्टमेंट. कोई समझा पाएगा इसका मतलब? बहुत सिंपल है, वापस देखना खाली. कोई इक्विटी होल्डिंग कर रहा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और ऐसा क्यों कर पा रहा है वो? फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ एनी डेट इंस्ट्रूमेंट अंडर एनी अरेंजमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरन इन्वेस्टमेंट. समझ में आया? परफेक्ट. मैं एक बाहर का बंदा था, आपके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा था, आज कन्वर्ट हो गया, उसको शेयर्स मिल गए, क्या उन शेयर्स को अपन लोग बाहर की एफडीआई नहीं मानेंगे? आपने बोला बिल्कुल बाहर के एफडीआई मानोगे, क्योंकि बाहर का बंदा है, आपके शेयर्स खरीद रहा है. कैसे खरीदे? इज नो गुड रीजन. आज शेयर्स हैं कि नहीं है? हैं, तो वो क्या है आपके लिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआई विल बी डीम्ड टू बी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एट पार विद द इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेसिडेंट्स. इन द सिमिलर लाइंस, अ कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड ओन्ड एंड कंट्रोल बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस विल बी एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सच इन्वेस्टमेंट्स विल ऑल्सो बी डीम्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एट पार विद द इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेसिडेंट. लास्ट में समझ में आया इसने क्या बोला? कि हमारे लॉज अगर NRI पैसा लगाए या फिर भारत का कोई इन्वेस्टर पैसा लगाए, उसको सेम तरीके से ट्रीट करता है. सिर्फ फॉरेनर से दिक्कत है हमको. NRI या फिर इंडिया का कोई बंदा, सेम लॉज. At par with the investment made by residents. In the similar line, a company, trust and partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by non-resident Indian will be eligible for investment and such investment will also be deemed to be domestic investment at par. अगर कोई यहाँ पर भी आज firm है जो बाहर वाले किसी बंदे ने बनाई है, तब भी allowed होगा उसको, कोई problem नहीं है इसके अंदर. इस point को एक बार वापस पढ़ना और मुझे समझा दो जल्दी से.
जैसे एक नॉन रेसिडेंट को डील किया अपन ने, वैसे एक एंटिटी जो नॉन रेसिडेंट के अंदर कंट्रोल हो रही है उसको भी वैसे के वैसे डील करना है, दैट इज इक्वली ऑन पार, एकदम ठीक है क्या? चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट अगेन, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड कंडीशन ऑन इन्वेस्टमेंट से करना था ना अपने को, चलेगा लेट्स स्टार्ट। आर यू गाइस एबल टू सी द बोर्ड? मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट या फिर इक्विटी। आपने बोला दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स, या तो आप डेट के थ्रू आ जाइए, इक्विटी के थ्रू आ जाइए, थ्रू विच एफडीआई कैन बी मेड बाय नॉन रेसिडेंट। बाहर का बंदा है मेरे बिजनेस में आ रहा है, या तो मुझे उधार देगा या फिर मेरी मालकियत में पैसे लगाएगा, मतलब या तो इक्विटी में या फिर डेट में, दो ही जगह इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एन इंडियन कंपनी कैन रिसीव एफडीआई अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट और द गवर्नमेंट रूट। हमने क्या बोला, दोनों रूट है, ऑटोमेटिक रूट भी गवर्नमेंट भी। दोस्त जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है वहां कौन सा रूट लग जाएगा, ऑटोमेटिक रूट, और जहां पे 100% एफडीआई अलाउड नहीं है और आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गवर्नमेंट रूट के अंदर एंटर करेंगे। कैप्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय नॉन रेसिडेंट इन कैपिटल ऑफ रेसिडेंट एंटिटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द एफडीआई पॉलिसी। अभी देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ये पॉइंट अपने आप समझेगा। एक फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर आपकी कंपनी में कितना परसेंट, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 10%, मिल के सब लोग 24%। मतलब आप ये कह रहे हो कि अच्छा 24% ऑफ व्हाट, टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी, मतलब आपके ऊपर एक परसेंटेज था ना, तो अब ये लाइन वापस पढ़ना, इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय नॉन रेसिडेंट इन कैपिटल ऑफ अ रेसिडेंट एंटिटी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द एफडीआई पॉलिसी। एफडीआई पॉलिसी आपको बताती है कि इतना परसेंट अलाउड है, आप इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंट्री कंडीशन ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेसिडेंट्स कैन बी परमिटेड इन द कैपिटल ऑफ अ रेसिडेंट एंटिटी इन सर्टन सेक्टर्स एक्टिविटीज विद एंट्री कंडीशन। देयर आर सर्टन कैपिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इन कंपनीज लाइक इंश्योरेंस सेक्टर। मतलब कुछ कुछ जगहों पे अपन ने कैपिंग दिए, इंश्योरेंस सेक्टर 50% एफडीआई अलाउड आपने बोल दिया, फिर अपन ने इसको रिवाइज किया कि 60% है, फिर अपन ने डाउनग्रेड किया। तो ये क्या है, यहाँ पे आपने कोई कैप बताइए, बोले एक इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप बोलते हो 100% एफडीआई इज अलाउड, एक इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आप कैप लगा देते हो दैट 40% इज अलाउड, 30% इज अलाउड, 50% इज अलाउड, ठीक है। अच्छा आप एंट्री कंडीशन कट कर सकते हो, इट्स अगेन द सेम थिंग। Besides the entry condition on foreign investment, the investment investors are required to comply with all the relevant other conditions. अच्छा आज एक पाकिस्तान का बंदा आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है क्या, आपने बोला नहीं, खाली और खाली हमारी ऊपर दी गई conditions नहीं, और भी कोई भी condition अगर आपके ऊपर लागू होती है तो आपको follow करनी पड़ेगी उसको। Now comes, अच्छा जो यहाँ से तुमने यहाँ तक पढ़ा ना, अगर ये पूरा भी कट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कट मत देना, मत कर देना। मेरा कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन उधर नहीं, क्वेश्चन अब आता है, द प्रोहिबिटेड सेक्टर जिसको आप नेगेटिव लिस्ट भी बुलाते हो, ठीक है, दे कॉल इट द प्रोहिबिटेड सेक्टर, दे से द नेगेटिव लिस्ट और दे से इन एनी वे विच इज सेइंग कि कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, वो यही आंसर होगा। इफ देर आस्किंग यू वो क्वेश्चन जिसके अंदर वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, अंडर एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स कैन नॉट बी डन अंडर, तब भी आप ये प्रोहिबिटेड लिस्ट की बात कर रहे हो, दे डायरेक्टली आस्क यू नेगेटिव लिस्ट और दे आस्क यू प्रोहिबिटेड लिस्ट, ऑल द सेम। नो एफडीआई शैल बी एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग सेक्टर्स, सबसे पहला लॉटरी, लॉटरी तो इंडिया खुद ही गैम्बलिंग बैन करती है, लॉटरी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट लॉटरीज, ऑनलाइन लॉटरीज, बाहर का कोई इंसान मेरी लॉटरीज में पैसा नहीं लगा सकता, इवन इफ अगर इंडिया में कहीं पे चल रही है तो भी आप बाहर का इंसान हमारे यहाँ पे इसको पैसा नहीं लगाएगा। वाई? बिकॉज इट इज एन अनरेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। अगर कल को कोई भी हल्का सा भी प्रॉब्लम हुआ तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम खराब होता है, hence negative list, lotteries not to be invested, second gambling, logic एकदम simple ही है इसका, gambling, betting including casinos, casino इंडिया में आप लोग देखते हैं जैसे गोवा, हम लोग बोलते हैं कि भाई on the land कोई casino नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने in water बना दिया, कि आपने तो on the land की बात की थी, नहीं on the land, ठीक है, और जहाँ भी casino चलता है तो उस शेप एक ग्राउंड लगा के आ जाता है, उसके बाद आपको वापस सुबह छोड़ देता है। Foreign technology collaborations including licensing for franchisee, trademark or brand name is also prohibited for lottery, gambling and betting activities. अब वापस से देखते हैं, ऊपर वाला था लॉटरी, किसी भी तरीके की लॉटरी क्यों ना हो प्रोहिबिटेड है। सेकेंड gambling, betting including casinos, इसके आगे उसने क्या लिखा, आपने कोई foreign collaboration किया है including बाहर से कोई franchisee ली, बाहर से कोई trademark लिया, या फिर यहाँ पर आके आपने कोई brand name ले लिया और उस ब्रांड नेम के अंदर आप लोग लॉटरी खेलना चाहते हो, तो वो भी क्या है,
प्रोहिबिटेड है. तो इट डज नॉट मैटर व्हाट द नेम इज, इंडिया के अंदर बेटिंग ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है. आप कहीं से भी कोई भी नाम लो, इट्स प्रोहिबिटेड. अच्छा, इफ बेटिंग इज प्रोहिबिटेड देन हाउ ड्रीम इलेवन इज वर्किंग, जस्ट ऐसे पूछ रहे. आपने कहा सर वो मोदी को दिए होंगे पैसे, थोड़ा नहीं पूरा स्किल है, थोड़ा स्किल नहीं पूरा ही है. ड्रीम इलेवन इज क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज अ स्किल गेम एंड नॉट अ बेटिंग गेम, दैट्स द डिफरेंस. स्किल गेम है, आप अपने हिसाब से स्किल्स लगाते हो, कौन सा प्लेयर अच्छा खेलता है कौन सा नहीं खेलता, आपका स्किल है, आपने उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, आपका स्किल है कि आप प्रोजेक्शन कर रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली अ स्किल गेम, हेंस इट इज परमिसेबल. एकदम ठीक है. अच्छा सर तो फिर प्लेयर अम्मी वहाँ पे भी पैसे आते हैं, ये कौन सा स्किल है? रमी खेलना स्किल है यार, कोई दोरा है क्या? आप में से कितने लोग रमी खेलने आती है? नो नो बस नहीं था मेरे को. अच्छा पोकर कितनों खेलना आता है? हाँ धीरे धीरे आ रहे बाहर. अच्छा आपको पता है पोकर जैसे गेम्स में जेन्युइनली इंडियन रुपीज में ये लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए कमा लेते हैं गेम में. आई हैव अ फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे. मैं लास्ट टाइम मुंबई गया हुआ था तो दैट गाय केम, ही इज सम पॉलिटिशियंस सम सन और समन. तो वो आया, हम लोग मैच देख रहे थे, आईपीएल चल रहा था, तो मतलब इट्स लाइक 4-5 मंथ्स बैक आईपीएल चल रहे थे, हम लोग आईपीएल देख रहे थे एंड ही वॉज बिजी प्लेइंग इज पोकर. मैंने कहा यार धोनी मार रहा है, आप इतना शानदार मैच छोड़ के कैसे इस घटिया गेम को खेल सकते हो? तो अच्छा जेन्युइनली वो लोग 8-8, 9-9 लाख रुपए की चाल चल रहे थे. और मैंने कहा इतना पैसा तू ला कहाँ से रहा है पहली बात. और मेरे को मेरे अदर फ्रेंड ने बताया कि बोले ये नहीं भी तो खाली इस रम्मी रम्मी गेम में 30-40 लाख रुपए जीता होगा. मैं कहा हारा? बोले वो तो हिसाब ही नहीं, जीता 30-40 लाख है वो, इसने मेरे को बताया है. और सच में मैं खुद देख रहा हूँ कि उसके पॉट में कितना पैसा है और आराम से लगा रहा है, चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, 10-10, 20-20 लाख का गेम खेलते हैं. तो मतलब आप इंडिया के अंदर जब ऐसे रम्मी वाली बातें कर रहे हो तो भाई इतने पैसों पे खेल रहे हैं. बट अगेन अब हमने क्या बोल दिया कि भाई जब रम्मी गेम है तो इट्स अ स्किल गेम. आपने वापस से कार्ड्स के ऊपर, खाली आपके पास अच्छे कार्ड्स आ जाए तो इसका मतलब नहीं कि आप जीत जाओगे, यू नीड टू प्ले. आप कब अपने कार्ड्स यूज कर रहे हैं, पता नहीं ब्लाबा क्या कंडीशन होती, जो भी होता है, इसलिए उसको स्किल गेम में ले लिया गया और अलाउ कर दिया गया. वरना पर से तो कार्ड गेम्स तो अपन बोलते हैं कि भाई तो सट्टेबाजी है, नॉट अलाउड है. अच्छा दो चीज़ें, लॉटरी इज क्लियर, गैम्बलिंग एंड बेटिंग इज क्लियर. इवन इफ अगर आपने इंडिया की ट्रेडमार्क, इंडिया की फ्रेंचाइजी, इंडिया का ब्रांड नेम ले लिया तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. थर्ड चिट फंड्स, डू यू नो व्हाट आर चिट फंड्स? निधि कंपनीज, चिट फंड्स, निधि कंपनी. हमने कहा तुम मत आना यहाँ पे, तुम्हें पता नहीं हम कितने खतरनाक लोग हैं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कह रहे हैं मत आना. निधि एंड चिट दोनों ही मना है. अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति वस्तु जिसको निधि या फिर चिट ना बताऊं तो बताऊं? एनीवन? नहीं सबको पता है निधि और चिट क्या होते हैं? रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज. ना हमारी एग्रीकल्चर लैंड पे आना, ना रियल एस्टेट बिजनेस में आना, बिल्कुल बैन है. अभी तक कितनी चीजें बैन बताई आपको? लॉटरी, गैम्बलिंग, निधि, चिट, रियल एस्टेट एंड फार्मिंग, सिगार, चिरूट्स, सिगरोल्स एंड सिगरेट मैन्युफैक्चर. भाई खुद बनाएंगे, खुद पिएंगे, तुमको आने की जरूरत नहीं है. तो पूरा का पूरा सिगार सेक्टर, सिंस अपने इंडिया का बड़ा इवॉल्विंग सेक्टर है, बड़ा डेवलपिंग सेक्टर है. एंड और हाँ यार, मतलब इट्स, इफ़ यू सी अ सर्वे रिव्यू, इट्स 11 सिगरेट्स पर इंडिविजुअल एक दिन में पीता है जो लोग स्मोक करते हैं, एट एन एवरेज 11 स्मोक्स. मतलब आप एक दूसरे की तरफ ना देखें, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर तूने किस दिन 12 पी ली तो ये 10 ही पिएगा, इसने किस दिन 18 पी ली तो तू 4 ही पिएगा. मतलब ऐसे वाला सिस्टम पे चल रहा है, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से द कैलकुलेशन ऑल अबाउट इज. नेक्स्ट, सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सच एज एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस. ये सारी चीजें सिगरेट्स, वो नहीं बोलते उसको नेचुरल वेट टबेको. आपको पता है वेट टबेको क्या होता है? मतलब फ्रेश टबेको. अगर आप चाहें ना तो एक होता है, वन थिंग इज, कभी तो अक्कल की बातें किया करो यार. वन अपन बात करते हैं सिगार, सिगरेट, फिर उसके बाद बीड़ी, और एक क्या होता है अगर आप चाहें तो नेचुरली ग्रोन टबेको होता है जो डायरेक्ट एकदम पाउडर्ड फॉर्म में आता है, क्रश किया हो उसके पूरे पूरे पेपर के अंदर. इफ़ यू वांट आप वो भी परचेज कर सकते हो. तो चाहे टबेको हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे सिगार हो, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू दिस प्रोहिबिटेड सेक्टर के अंदर डाल दिया. सो ऐसा नहीं कि कल आप ऐसा कहते हो कि नहीं नहीं हम सिगरेट नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ क्या कर रहे थे, जो उसका टबेको प्रिपेयर करना था सिर्फ उसी का काम कर रहे हैं, तो हमने उसको भी बैन कर रखा है. कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है पूरे सिगार इंडस्ट्री के अंदर. कमिंग बैक अगेन, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशंस. अब आपको यहाँ तक कितने आए समझ में? आपने बोला लॉटरी, गैम्बलिंग,
चिट फंड निधि रियल एस्टेट सिगार सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐसे सेक्टर जिनको प्राइवेट अरे हमारा भारत क्या खुद की ट्रेन चला सकता है क्या कल ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे कोई रिलायंस वाला अपनी ट्रेन लेके निकल जाएगा रास्ते पे नहीं हो सकता एटॉमिक एनर्जी ऐसा थोड़ी कि रिलायंस ने खुद के न्यूक्लियर वेपन अलग बना के रखे हुए हैं कि नहीं मेरे ऊपर कोई दिक्कत हुई तो मैं देख लूंगा नहीं हो सकता ना तो ये प्राइवेट सेक्टर कोई ओपन नहीं तो तू कहाँ से बाहर से आ रहा है गवर्नमेंट संभाल रही है इनको ये सारे सेक्टर्स आपका नेगेटिव लिस्ट बनता है टफ है क्या नहीं ना सिंपल हाँ जी डिफेंस नहीं 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 डिफेंस में भी नहीं करते सेक्टर्स वापस देख पॉइंट का मतलब समझा कर सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सच एज मतलब कौन से जैसे कि एटॉमिक ये तो जो भी सेक्टर अच्छा आप क्या डिफेंस में खुद की ऐसे गन्स बना सकते हो देश के लड़ाई के लिए नहीं तो बात ही खत्म हो गई और वैसे अभी तक यार इंडिया इज नॉट अ सुपर पावर वी आर नॉट सुपर पावर तो हम खुद अपना ये काम आउटसोर्स करते हैं हम खुद नहीं बनाते अपनी गन्स जैसे आप लोग जो प्लेन लेके लड़ रहे हो वो आप थोड़ी बनाते हो आप बाहर से खरीद के लाते हो फ्रांस से जाते हो रशिया के पास जाते हो आप बोलते हो कि आपके प्लेन्स चाहिए यूएस को बोलते हो अपन यूएस को नहीं देते यूएस वाले अपने से बहुत दोस्ती करने की कोशिश करते हैं कि भाई प्लीज़ हमको ऑर्डर देना हम देते नहीं उनको तो फिर उनके बाद एक्स्ट्रा प्लेन हो जाते तो वो कहीं दूसरी कंट्रीज में जाके पार्क कर देते यस और वो लोग यहाँ पे चाबी अभी भूल गए थे लास्ट टाइम आ जाए एफडीआई एंड ई कॉमर्स नेगेटिव लिस्ट क्लियर है अच्छा नेगेटिव लिस्ट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन इट्स इज एनीथिंग इन विच प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अलाउड दैट मीन्स इट्स बैन नाउ एफडीआई एंड ई कॉमर्स फर्स्टली व्हाट इज ई कॉमर्स या व्हाट इज ई कॉमर्स एंटिटी इसने बोला कि भाई हमको पता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स मीन्स बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स लाइक अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट अर्बन क्लैप सर्विस प्रोवाइडर है आप ऑनलाइन कोई भी सर्विस बुक कर सकते हैं द पर्सन विल कम डाउन टू योर प्लेस वट एवर यू वॉन्ट नेक्स्ट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट आपको गुड्स डिलीवर करते हैं आपको कोई भी चीज़ चाहिए आप कोई गुड्स ऑर्डर कर सकते हो बोथ आर पार्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड एंटिटीज ई कॉमर्स एंटिटी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनीज एक्ट 2013 और अ फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और एन ऑफिस ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 क्लॉज 3 ऑफ फेमा 1999 owned or controlled by a person resident outside India and conducting the e-commerce business. यहाँ पे एक चीज ऐसा कट लगाने का और अब खाली सुनना अपने को लिखना क्या है इसके अंदर e-commerce entity का मतलब क्या होता है any entity incorporated anywhere coming down and working in India which is providing services in electronic form which can be defined under the Companies Act or under any other relevant statute is e-commerce entity. वापस से अपन ने ई कॉमर्स एंटिटी क्या बोली सबसे पहले आपने बताया कि ई कॉमर्स एंटिटी को कहाँ पे बनाना था इसने बोला इट कैन बी विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वन थिंग सेकंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर रेलेवेंट स्टेट्यूट नाउ मोड्स ऑफ ई कॉमर्स हाँ भाई ये मस्त है मोड ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस पहला है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल चलो आप ये समझा पाओगे क्या देखो इसके अंदर नीचे मैंने एकदम डायग्राम भी दिया तो आई थिंक आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझाना इन्वेंट्री इज ओन्ड बाई ई कॉमर्स एंटिटी इन सोल्ड डायरेक्टली टू द कस्टमर और जबकि मार्केट प्लेस बेस्ड में क्या हो जाता है ई कॉमर्स एंटिटी ओनली एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन सेलर एंड कस्टमर एंड डू नॉट कीप इन्वेंट्री विद इट सेल्फ अच्छा आपके घर में कोई भी ऐसा है क्या मतलब जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कुछ सेल करता है मतलब आपके कोई जान पहचान वाले दोस्त या फिर कोई भी नहीं आजकल बहुत कॉमन हो गया क्योंकि यार ऑनलाइन इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है अच्छा आई हैव अ कजिन जिनका ये बेडशीट्स का सेलिंग का काम है तो अमेजोन पे बेचते हैं तो मैं जब भी घर जाता हूँ तो ही हैज़ अ गोडाउन और अपने घर पे ही उनका छोटा सा ऑफिस है व्हाट ही डज इज जितने भी ऑर्डर प्लेस होते हैं अमेजोन पे वो उनके पास आ जाते हैं इनके ईमेल पे दैट दिस 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 द एड्रेस आपने इसको डिस्पैच करना है और अमेजोन इनको वही कंडीशन देता है कि 24 आवर्स के अंदर डिस्पैच कर देना ठीक है क्योंकि डिलीवरी लेट नहीं होनी चाहिए दैट्स दैट टास्क इसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट कुछ भी नहीं करता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट बस इनको बता देता है इतनी देर में डिलीवर कर देना यहाँ से बंदा आएगा लेने के लिए उसको दे देना हम आगे अपने आप पहुँचा देंगे पर मान लो आपने कभी कभार ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आई एम जस्ट आस्किंग कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया हो आपने एक ऑर्डर प्लेस किया हो ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ हो बट देन वापस से रिजेक्ट हो गया हो
ऑर्डर बाद में रिजेक्ट हो गया हो कि द सेलर हैज़ डिक्लाइन द ऑर्डर फॉर एनी गुड रीज़न, या फिर नहीं है, एक के साथ हुआ एक के साथ नहीं हुआ, कुछ के साथ हुआ कुछ के नहीं हुआ, हो सकता है. हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू रेज, कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, फ्लिपकार्ट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, बट आगे चल के सेलर उसको रिजेक्ट कर सकता है कि मैंने इन्वेंट्री स्टॉक अपडेट नहीं किया था, या फिर मैंने मेरी तरफ से नहीं बताया था, हैंस अपन ये चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते, या फिर आपके सामने आ जाएगा प्रोडक्ट अनअवेलेबल, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सच टाइम, ऐसे ऐसे करके आपको हम नोटिफाई कर देंगे. दिस इज वॉट इट हैपन्स. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या कर रहे हैं, एक लिंकिंग पिन बन रहे हैं. जिसको सामान खरीदना है वो जा रहा है फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट पे कौन जाएगा, अमेजोन पे, और यहाँ पे अमेजोन भाई को फ़ोन करता है, भाई डिलीवर कर दे दीदी को सामान, एकदम ठीक है. इसी जगह पे आप जब बात करते हो बिग बास्केट की या फिर टाटा क्लिक की, अब आप बिग बास्केट के ऊपर जब जाते हैं ना, तो बिग बास्केट क्या करता है, इन्वेंट्री को ओन करता है अपने पास. बिग बास्केट अपना, अच्छा लेंसकार्ट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उनके पास खुद सामान होता है, लेंसकार्ट के स्टोर्स भी हैं आपके पास, यहाँ पे आप जा सकते हो लूटने के लिए, ठीक है. तो वहाँ मतलब ये वही, तो आप जब इनको ऑर्डर करते हो ना, तो ये और किसी को नहीं भेजते हैं, ये खुद ही के वहाँ से उसको डिस्पैच कर देते हैं. जो ये हो रहा है ना कि खुद ही के वहां से कस्टमर को आप डिस्पैच कर रहे हो, इसको आप बोलते हो इन्वेंटरी इज ओन्ड. और जब आप किसी से मांग के दे रहे हो, इट इज कॉल्ड, इट ओनली एक्ट एज अ लिंकिंग पिन. डिफरेंस समझा? जब आप लिंकिंग पिन की तरह काम करते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल बना रहे हो, जिसमें आप मार्केट के बीच में खड़े हो और सब मार्केट वालों को कह रहे हो कि तुमने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सारे कस्टमर यहाँ लेके आता हूँ, अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट हो तो तुम देना. अच्छा एक सेकेंड, क्या अमेजोन पे एक ही प्रोडक्ट के 10 सेलर हो सकते हैं? देखो आप बोलते हैं बाय फ्रॉम दिस सेलर, अमेजोन सिर्फ इतना करता है कि तुमको बेस्ट सेलर की प्राइस बता देता है और नीचे लिखा होता है 9 अदर सेलर्स. इसका मतलब क्या हुआ, एक मार्केट प्लेस है जहाँ अमेजोन सबको लाके खड़ा कर देता है, जो बेस्ट प्राइस देता है उसकी प्राइस डिस्प्ले करवा देता है, खत्म. इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, इन्वेंट्री इज ओन्ड बाय ई कॉमर्स एंटिटी एंड इज सोल्ड डायरेक्टली टू द कस्टमर्स. श्योर एनफ? प्लीज ये देख लीजिए, बिल्कुल बेकार और कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं. ये सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि एक बार 13-14 के आसपास में एक क्वेश्चन आ गया था, डिफरेंट काइंड ऑफ ई मार्केट मॉडल्स, तो इन्वेंट्री बेस्ड एंड मार्केट प्लेस बेस्ड. कंडीशन से अपन बात करेंगे, ऊपर से एग्जांपल देख लेना, बस सिंपल लग रहा है, कुछ नया तो नहीं. रीड सिंपल है. नाउ कमिंग नाउ टू द कंडीशंस फॉर एफडीआई इन ई कॉमर्स. अब ई कॉमर्स में कितने तरीके के कॉमर्स थे भाई, कितने तरीके के मॉडल थे? पहला इन्वेंट्री बेस्ड, और दूसरा आपने बोला मार्केट प्लेस. अच्छा इन्वेंट्री बेस्ड में प्रोडक्ट्स के ओनर आप ही होते हो, हाँ, और वहां पे आप सिर्फ एक लिंकिंग पिन हो, मतलब आप ओनर नहीं हो. सही बात है. अब देखना इसका लॉजिक ऊपर से समझते जाएंगे. 100% एफडीआई अलाउड है
ऑटोमेटिक रूट से कब? मार्केट प्लेस मॉडल के लिए. क्यों? क्योंकि यहां पे आप ओनर नहीं होते हो, तो आप मार्केट प्लेस वाले में 100% एफडीआई करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड, एफडीआई इज नॉट परमिटेड इन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल ऑफ ई कॉमर्स. इन्वेंट्री बेस मत करो. क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री बेस में आप क्या बन जाओगे? हमारे प्रोडक्ट्स के ओनर बन जाओगे, और हमको नहीं चाहिए कि आप ओनर बनो गुड्स के. सिंपल है. थर्ड, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. अच्छा, नेटफ्लिक्स नाम सुना है? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स. हाँ रे सर. डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क विल इंक्लूड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविजन चैनल्स एंड एनी अदर इंटरनेट एप्लीकेशन यूज्ड इन ऑटोमेटेड मैनर सच एज वेब पेजेस, एक्सट्रानेट्स एंड मोबाइल्स एंड एक्सेट्रा. तो याद रखना, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जब भी मैं यूज़ करता हूँ, वो अपने अंडर हर तरीके की सर्विस लेता है जो ऑनलाइन आपको टीवी से कनेक्ट करती है. एयरटेल टीवी इज अगेन अ डिजिटल नेटवर्क. नेक्स्ट अप, डी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स. एक सेकेंड, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ लिंकिंग पिन का काम करती है ना, इसमें 100% एफडीआई अलाउड है क्या? अलाउड है ना, मेरा पूरा फ्लो तोड़ दिया. विल बी परमिटेड टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद सेलर्स रजिस्टर्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ऑन B2B बेसिस. अब इस पॉइंट का मतलब समझना, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी को अलाउ किया गया है आप ट्रांजैक्शंस में एंटर कर सकते हो सेलर्स के साथ ऑन इट्स प्लेटफॉर्म ऑन B2B बेसिस. B2B इज, इसका मतलब क्या हुआ वो नहीं पता सर, फुल फॉर्म बताया ना. एक बिजनेस दूसरे को सेल करेगा. अलीबाबा सुना है कभी? अलीबाबा एक्सप्रेस? नहीं, अलीबाबा एक्सप्रेस जैकमा. ही फॉलोज B2B कंसेप्ट कि भाई डायरेक्ट बिजनेस से उठाता है, दूसरे बिजनेस तक पहुंचाता है. डायरेक्ट बिजनेस से उठाता है, बोलता है कि मैं आपको यहीं से यहीं आगे दूसरा बिजनेस तक पहुंचा देता हूं, तो लोग उसके पास डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं. इसीलिए बड़ा सस्ता है. और अपने लिए देखो, इंटरफेस थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा. आप अलीबाबा एक्सप्रेस पे जाना, आप इतना इजीली ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा बल्क की चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे. कभी भी जाके देखना, अलीबाबा पे आप कुछ ऑर्डर करेंगे ना, बल्क में होगा. बल्क में कोई भी ऐसी सिंगल चीज़ नहीं मिलेगी. क्यों ऐसा? अगर चाहो तो ई कॉमर्स वाले B2B बिजनेस पे भी एंटर कर सकते हैं, उनको रोका नहीं गया. ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू सेलर्स. अच्छा एक सेकेंड, सेलर्स को सपोर्ट सर्विसेज भी हैं. मान लीजिए कि आज आप लोग कोई गुड्स खरीदते हैं, सेलर थोड़ी आपको फ़ोन करके पूछेगा कि कहाँ जाना है, सामान कहाँ पहुँचाना है, कुछ भी करना है. अमेजोन करवा के देगा. आपको कोई ग्रीवेंसेज है तो आप किसको फ़ोन करोगे? अमेजोन को. सेलर को थोड़ी फ़ोन लाओगे, भाई यार इसमें क्या है, तो इसमें जो तूने भेजा उसमें छेद है. फिर वो क्या करने का है? तू रिटर्न कर. किसकी जिम्मेदारी है? अमेजॉन की जिम्मेदारी. अमेजॉन देखेगा. तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आप सपोर्ट स्टाफ की तरह काम कर सकते हैं पूरे के पूरे सेलर्स के लिए? यस. मे प्रोवाइड सर्विसेज टू सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, अदर फुलफिलमेंट, कॉल सेंटर, पेमेंट कलेक्शन एंड अदर सर्विसेज. आप पेमेंट अमेजॉन को करते हो और वो बाद में आपको पेमेंट करवाता है फाइनल पर्सन तक. ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइडिंग अ मार्केट प्लेस विल नॉट एक्साइज ओनरशिप ओवर द इन्वेंट्री दैट इज गुड्स परपोर्टेड टू बी सोल्ड. मार्केट प्लेस वालों की एक ही कंडीशन है, आप कभी भी गुड्स खरीद के नहीं बेचोगे. आपका काम सिर्फ लिंकिंग पिन बनने का था. आप सिर्फ और सिर्फ बायर को और सेलर को मिलाओगे, कभी भी खुद खरीद के उन चीज़ों को बेचोगे नहीं. एकदम ठीक है. टू विच वी हैव कम डाउन टू अ क्वेश्चन. सर आजकल अमेजॉन पे तो अमेजॉन बेसिक्स मिलते हैं, क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? मतलब मैंने अभी अपने ऑफिस के लिए एक वायरलेस चार्जर मंगाया है, वायरलेस चार्जिंग के लिए मंगाया. दैट्स अमेजॉन बेसिक्स है ना? मतलब हाँ. तो फिर हाउ डज दिस वर्क? अभी तो मैं बोल रहा हूँ इट्स अ मार्केट प्लेस, तू ही बताएगा भाई. एक मिनट चुप रहेंगे ना, हम अपने आप बोलेगा तू. आप लोग ट्राई तो करो. मतलब अमेजॉन ई बेसिक्स मंगा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिखा है ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस विल नॉट एक्साइज ओनरशिप ओवर द इन्वेंट्री. लॉरेन क्या बोलते हो? नहीं. अमृता नहीं. अरिजित नहीं कर तो सकते हैं, तो मतलब या तो फिर ये लाइन गलत लिखी भाई तूने, और तेरे को अभी अभी याद है. सही कर ले, कोई नहीं, माफी कर देंगे. देखो अच्छा एक बात समझो, ये कहना क्या चाह रहा है. लाइन का मतलब समझो और उस लाइन में घूमो मत. इसने लिखा ई कॉमर्स एंटिटी प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस, जो आपके लिए एक मार्केट प्लेस बनती है, विल नॉट एक्साइज ओनरशिप ओवर द इन्वेंट्री. वो है ना, सेलर्स के पास जाके उनकी चीज़ें नहीं खरीदेगी. पर ऐसा थोड़ी लिखा है कि वो खुद के प्रोडक्ट्स बेचेगी नहीं.
हम कहना क्या चाह रहे थे कि भाई आपकी खुद की भी तो एक कंपनी हो सकती है, अमेजोन अगर आप देखो तो अमेजोन की खुद की दूसरी एक सब्सिडरी भी तो हो सकती है जो प्रोडक्शन करती हो। और यहाँ पे जब वो अमेजोन के ई प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो अमेजोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं, वो किसी दूसरी सब्सिडरी के नाम से आए हैं। अगर आप देखो तो उस प्रोडक्ट का नाम है अमेजोन बेसिक्स, और अमेजोन नहीं लिखा हुआ है खाली, वो अमेजोन की सब्सिडरी है अमेजोन बेसिक्स, जो ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन के लिए बनाती है। अब है तो अलग अलग ही। अगर आपको चाहिए हेल्थ कार्ड, नाम सुना है हेल्थ कार्ड, वेबसाइट नहीं सुनी तो आप कभी एक बार ऑनलाइन चेक करके देखना हेल्थ कार्ड। जो लोग ऐसे मतलब फिटनेस फिटनेस में ज़्यादा ध्यान रखते हैं और कोई सप्लीमेंट लेना पसंद करते हैं, हेल्थ कार्ड इज़ अ वेबसाइट विच इज़ नोन इन इंडिया टू बी प्रोवाइडिंग द हाइएस्ट जेन्युइन क्वालिटी प्रोडक्ट। हेल्थ कार्ड में अगर आप जाओगे ना, सबसे पहले जो 10 प्रोडक्ट दिखेंगे वो हेल्थ कार्ड के ही होंगे। अब आप कहोगे कि सर ये तो ई मार्केट प्लेस है, खुद का कैसे बन रहा है? हेल्थ कार्ड ने क्या किया ना, एक कंपनी बनाई है ब्राइट लाइफ केयर, ठीक है, जो ये सारे प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए, और वो बोलता है सोल्ड बाय ब्राइट लाइट केयर, ब्राइट लाइफ केयर, खत्म बात। अब प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो, आपको क्या करना, हेल्थ कार्ड रखा, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बेचने दो उसको। अच्छा, उसके बाद अगर आप वहां पे सर्च करोगे ना तो नेक्स्ट जो बेस्ट प्रोडक्ट सर्च में दिखाएगा और बार बार तुम्हारे मुंह के सामने घुमाता रहेगा, मतलब तुम कोई दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदोगे तो साइड में तुमको हंसी आएगी ये वाला देख तो सही, एक बार ये वाला देख, उसका नाम है मसल ब्लेस, ठीक है, कहीं से भी गुजराना मसल ब्लेस सामने आके खड़ा हो जाएगा। मेरे को पहले कभी समझ ही नहीं आता था कि क्यों ये इतनी मसल ब्लेस पे जिद कर रहा है जब आपके पास इतने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स पड़े हुए हैं, व्हाई यू डू दैट। स्विच समवन टोल्ड मी कि मसल ब्लेस इसी की सब्सिडरी का एक प्रोडक्ट है। जब पहले हेल्थ कार्ड के प्रोडक्ट नहीं होते थे तो हेल्थ कार्ड मसल ब्लेस के नाम से अपने आप बेचता था और बोलता था ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे ही सर्च इंजन में जाओगे मसल ब्लेस सबसे ऊपर आ जाएगा। थर्ड टेक्निक इन्होंने क्या फॉलो करी हेल्थ कार्ड ने, ये क्या करते हैं, मान लो कि आज आप वहाँ पे सर्च करेंगे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक रैंडम में बोल रहा हूँ कि देर इज अ सप्लीमेंट कॉल्ड ऑन न्यूट्रिशंस, ठीक है, इट्स अ फेमस ब्रांड, अगर आप सबने कभी ना कभी ऑन वर्ड सुना होगा, ठीक है, आप जाके सर्च करो कि मुझे ऑन का प्रोटीन का डब्बा खरीदना है, ठीक है, बाकी पूरा बाजार ऑन आपको अगर 6,000 में दे रहा है या 5,500 में दे रहा है, ये 7,000 में बेचेगा आपको। अब क्योंकि हेल्थ कार्ड का इमेज ऐसा बना हुआ है कि यहाँ जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है, तो या तो आप ये प्रोडक्ट 7,000 में खरीदोगे जो कि इसको चाहिए क्योंकि इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है, या फिर आप बोलोगे कि यार सस्ते में क्या है, तो भी इसका ऑब्जेक्ट अचीव्ड है, ये तुम्हारे सामने मसल ब्लेस लाके खड़ा कर देगा। तो इन आइदर केसेस उसने इस पोर्टल को इस तरीके से चलाया, बट वी से वी हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। पर से ई मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि जो दूसरे सेलर्स हैं उनका प्रोडक्ट तू ओन तो नहीं करता ना, द आंसर इज नो, बात खत्म, यू आर डन। नेक्स्ट अप, 8, e-commerce entity will not permit more than 25% of the sales value on financial year basis affected through its marketplace from one vendor or their group companies. इसका मतलब क्या हुआ? एक ही जने ने पैसा नहीं कमाना है तुम्हारी e-marketplace पे। An e-commerce entity will not permit more than 25% of the sales value in a financial year basis affected through its marketplace from one vendor or their ग्रुप कंपनीज। खाली एक ही वेंडर का सामान नहीं बिकना चाहिए, आपकी टोटल सेल्स का 25% सेल्स कहां से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही वेंडर से हो रहा है। नॉट पॉसिबल, इसके ऊपर नहीं जा सकते। नेक्स्ट, इन मार्केटप्लेस मॉडल गुड्स सर्विसेज मेड अवेलेबल फॉर सेल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन वेबसाइट शुड क्लियरली प्रोवाइड नेम एड्रेस एंड अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेलर। प्रोवाइड करते हैं अमेजोन पे, सेलर कौन है, कहां से, रेटिंग भी बताते हैं अगर आपने नोटिस किया हो तो। पोस्ट सेल्स डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी कस्टमर्स एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। एक बार सामान बिक गया अब अमेजोन बोलेगा मेरा काम नहीं है, अब कुछ भी गलत हुआ ना पोस्ट सेल्स में आप डायरेक्ट सेलर से बात करो और आपको प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। इन मार्केट प्लेस मॉडल पेमेंट फॉर सेल मे बी फैसिलिटेटेड बाई द ई कॉमर्स एंटिटी इन कन्फर्मिटी विद द गाइडलाइंस ऑफ RBI। हमेशा यही होता है, RBI ने आपको गाइडलाइंस दी है। अमृता ने अमेजोन को एक ऑर्डर प्लेस किया उस सेलर से कुछ खरीदने के लिए, शी गेव मी मनी, आई हैव kept इट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI कि मैं इन पैसों को यूज़ नहीं कर सकता, मैं इसको इंटरेस्ट फ्री यील्ड की तरह रखूंगा, और जैसे ही सेलर कन्फर्म करता है कि गुड्स वहाँ पहुँच गए और बायर कन्फर्म करता है कि गुड्स आ गए, मैं पैसा डिलीवर कर दूंगा किसको, सेलर को। श्योर इनफ, कौन से पॉइंट पर आ गए थे अपन? जे, इन मार्केट प्लेस मॉडल एनी वारंटी गारंटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर। अमेजोन क्या करेगा, अपन लोगों ने कल एप्पल का फोन ऑर्डर किया, नहीं चला अच्छा, तो आप अमेजोन पे थोड़ी केस करोगे, अमेजोन बोलेगा मेरी क्या गलती है भाई, मेरा काम था तेरे को सेलर से मिलाना, सेलर से तू मिल लिया, अगर चीज अच्छी नहीं आई तो उसको गाली दे, रिव्यू लिख उसके लिए। जोमैटो पे आप खाना ऑर्डर करते हो,
खाना अच्छा नहीं आया तो जोमैटो को थोड़ी जाके उधर ऐप पे बोलते हो सच अ टट्टी ऐप, यू कैंट से दैट. आप जोमैटो ऐप पे जाके उस खाने वाली शॉप पे जाओगे और वहां पे लिखोगे सच अ टट्टी खाना. गॉट द डिफरेंस? हाँ जी, प्लीज एक बार वापस सारे पॉइंट्स देख लीजिए इफ यू फाइंड एनी डाउट फॉर दिस. आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट आना चाहिए. बट अगेन, अगर उन्होंने मार्केट प्लेस पूछा तो वो आपसे कंडीशन ऑफ एफडीआई इन ई कॉमर्स जरूर पूछेंगे, कहाँ परमिसेबल है कहाँ नहीं है और क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी है. ये प्लीज आप लोग के लिए एक वेरी स्पेशल नोट है जो अपन ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिर्फ ये कब से हुआ वो बता रहा हूँ. इसके अंदर 2019 में एक ऑर्डर आया था जहाँ पे बोला गया था कि आज के टाइम पे ई मार्केट प्लेस के अंदर 100% एफडीआई अलाउड कर दिया गया है. जो ऊपर अपन ने पढ़ा था वही है, बस 2019 से हुआ वो बताने का है, देख लो. चले आगे. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज. नेक्स्ट चीज का मतलब क्या है, पहले समझना. एफडीआई इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग. व्हाट इज सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग? एनीवन? आप नीचे देख सकते हैं, अगर आपको कुछ भी और समझ में ना रहा तो आप मुझे समझा दो. व्हाट इज सिंगल बेस्ड सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग? सर, एक ब्रांड के अंदर अगर एक ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलता हो आप उसको सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट बुला सकते हो. लाइक ओरल बी टूथब्रश में डील करता है. अभी रिसेंटली अगर उसने मल्टी में किया हो तो अलग बात है, बाकी ओरल बी सिर्फ टूथब्रश में डील करता है. मतलब मैं तो मेरा आइडिया बोल रहा हूँ, आप अपना पढ़ो ना, डिस्कशन करेंगे. पैराशूट ऑयल, पैराशूट की नमकीन थोड़ी आती है. हाँ यार, जी घबरा जाए वैसे नमकीन आए तो खाइए पैराशूट नमकीन. घने लंबे बाल. हाँ जी, कोई बता रहा है क्या मतलब? सर वी अग्री विथ यू एज ऑफ नाउ. वही मतलब है. आ जाओ इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग. अच्छा देखो, अब सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट ट्रेडिंग होगी ना तो इसमें एफडीआई 49% तक तो ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है. पर अगर 49% से ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना है ना, सो ओवर एंड अबाव 49% जैसे ही मतलब आपके पास ओनरशिप आने वाली है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? गवर्नमेंट रूट, दैट इज अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा. सेकेंड, FDI in single brand product retail trading is aimed at attracting investment in production and marketing and improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased source of goods from India, enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global design technologies and management practices. हम चाहते हैं कि बाहर से पैसा आए और हम इन goods को और better कर पाएं. यहाँ पे जो ये single retail brands हैं इनको और better कर पाएं ताकि India में ही नहीं even दुनिया में कहीं पे भी इन products को use किया जाए. नाउ कंडीशन फॉर एफडीआई इन सिंगल ब्रांड. अच्छा भाई, आपने बात समझनी है पहले. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, दिल पे नहीं लेना एकदम. लिवर आयुष नाम सुना है? अक्षय भाई ऐड कर रहे थे. व्हाट डज लिवर आयुष डू? आयुर्वेदिक मेडिसिन. इट्स अ सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक ही जॉनर के अंदर चलता है. डज व्हाट? आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. श्योर है ना? अब आपने क्या बोला कि अगर ये सिंगल ब्रांड है तो यहाँ पे कितना परसेंट अलाउड है एफडीआई? 49% ऑटोमेटिक रूट से. ओवर एंड अबव 49%
ऑटोमेट अप्रूवल रूट से. अब ये क्या बोल रहा है, कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी है. प्रोडक्ट टू बी सोल्ड शुड बी अ सिंगल ब्रांड ओनली. प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड अंडर द सेम ब्रांड इंटरनेशनली, दैट इज प्रोडक्ट्स शुड बी सोल्ड अंडर द सेम ब्रांड इन वन और मोर कंट्रीज अदर देन इंडिया. बात समझना है, सबसे पहले एक ब्रांड के अंदर वो प्रोडक्ट होना चाहिए, उसी नाम से वो एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर होना चाहिए. सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग वुड कवर ओनली प्रोडक्ट्स विच आर ब्रांडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग. मतलब आपने बनाया, आपने उस पर नाम डाला, कोई भी किसी का और कोई काम नहीं, सिंगल ब्रांडेड खत्म. अ नॉन रेसिडेंट एंटिटी और एंटिटीज वेदर ओनर ऑफ द ब्रांड और अदरवाइज शैल बी परमिटेड टू अंडरटेक सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग इन द कंट्री फॉर द स्पेसिफिक ब्रांड डायरेक्टली और थ्रू अ लीगली टेनेबल एग्रीमेंट विद द ब्रांड ओनर फॉर अंडरटेकिंग सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग. The requisite evidence should be filed with RBI for the automatic route and to competent authority for cases involving approval. In case of proposal involving foreign investment beyond 51%, sourcing of 30% of the value of goods purchased will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries. ठीक है, अच्छा C तक तो आपको समझ में आया होगा, if I am not wrong. पहले आपके सामने था A, single brand, B, multiple countries, C, product retail trading would cover only products which are branded during मैन्युफैक्चरिंग. बनाते वक्त ही आपने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये इसी ब्रांड के अंदर का प्रोडक्ट है, खत्म. फोर्थ पॉइंट को समझा क्या, या फिफ्थ पॉइंट, एनीवन, 10 सेकंड का टाइम है. अच्छा, आज तक किसी ने KFC पे जाके बोला है क्या कि मैकालू टिकी दो? मतलब एनीवन नहीं, राइट सर? आइडिया तो बढ़िया है, और कुछ नहीं तो आज मैकडे फ़ोन करके ये तो बोलेंगे KFC का नंबर दो. ऐसी कोई हरकत मत करना. क्या होता ना, मारा नहीं बेटा तेरे को? हाँ, मेरे को लगा ही था ऐसी हरकत करोगे तुम अपने साथ है भाई, इतना तो विश्वास है मुझे. अच्छा, मतलब वैसे अगर आप नॉर्मल ह्यूमन होते तो नहीं करते, अपन तो सुपरमैन है, तो अपन अपनी बात नहीं कर रहे. मतलब नॉर्मल ह्यूमन तो ऐसे बैठे बैठे इतना थोड़ी वेला है कि मतलब ये हालत हो जाए अपने. तो पहली चीज़, आपने ऐसे नहीं करना था. बात समझना, मैकडी पे जब आप जाते हो तो मैकडी के सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, आप वही ऑर्डर करोगे. अच्छा, इफ़ आई से इट्स अ पनीर रैप तो आप बोलोगे मैकडी का प्रोडक्ट है. चिकन विंग्स KFC का प्रोडक्ट है, यू नो इट वेरी वेल. अच्छा, चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा आप बोल रहे हैं, या तो डोमिनोज है. अच्छा, ये सारी चीज़ें बड़ी पेटेंटेडली आपको समझ में आ रही है कि भाई ये किसी एक सिंगल ब्रांड के अंदर चलता हुआ प्रोडक्ट है और वहीं से बनता है, उन्हीं का लेबल है. देर इज नो वन एल्स हु इज कमिंग इन आउट बिटवीन. अच्छा, लेवाइस पे जाके आपने बोला कि मुफ्ती की शर्ट दिखा दो भाई, नहीं कर सकते ना, क्योंकि सिंगल ब्रांड आउटलेट है, सब कुछ लेवाइस के मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसके ऊपर वो ठप्पा लग जाता है कि भाई लेवाइस का. ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप बिग बाजार पे चले जाओ, आपने टूथपेस्ट खरीदना हो ना, तो आप सुनने 25 ब्रांड पड़े होते हैं. यहाँ से रणवीर सिंह यूं कर रहा होगा, इधर से आपके सामने क्लोजअप, क्लोजअप के बाद यहाँ पे कोलगेट, फिर यहाँ पे बाबा बैठे होंगे धोती पहन के, अलग अलग लेवल पे भीड़ बसड़ रखी होगी आपके सामने. दैट्स मल्टी ब्रांड. ठीक है, मल्टी ब्रांड का मतलब क्या होता है, जैसे बिग बाजार, पैंटलून्स, एनी काइंड ऑफ, जो भी ऐसे स्टोर्स हैं इन द वे ऑफ मॉल्स जो मल्टीपल, एक ही शॉप के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स आपको ऑफर करते हैं. विजय सेल्स, डी मार्ट, दीज आर ऑल, एवरीथिंग इज एन एग्जाम्पल of nothing but multiple brand retail stores. On the contrary, yes, academy goes single brand, क्योंकि वो सिर्फ एक ही product sell करेगा, second product sell नहीं कर रहा. अगर इसी जगह पर आप multiple product sell कर रहे होते तो CACWACACS आप बोलते हैं मल्टी ब्रांड हो गया, खत्म. अब देखो फोर्थ वाला पॉइंट, अगर आप समझा पाओ तो आई जस्ट ट्राई टू मेक अ मोर क्लियरर डिफरेंस फॉर यू. आगे फोन बता दो.
तो आप कहना चाह रहे हैं कि फॉरेनर है वो हमारे देश में आ सकता है और एक ब्रांड स्टैब्लिश कर सकता है जो सिंगल ब्रांड रिटेल की तरह चलेगा। एक फॉरेनर है वो चाहे तो यहाँ की कोई फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ले सकता है और उस ब्रांड को सिंगल ब्रांड ऑपोजिशन की तरह चला सकता है। बहुत बढ़िया यार। अ नॉन रेजिडेंट एंटिटी और एंटिटी वेदर ओनर ऑफ द ब्रांड और अदरवाइज शैल बी परमिटेड टू अंडरटेक सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग इन वन कंट्री इन द कंट्री फॉर द स्पेसिफिक ब्रांड डायरेक्टली और थ्रू लीगली टेनेबल एग्रीमेंट। टेनेबल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? साइन करके फ्रेंचाइजिंग करना विद द ब्रांड ओनर फॉर अंडरटेकिंग सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट फॉर रिटेल ट्रेडिंग। द रिक्विजिट एविडेंस शुड बी फाइल्ड विद द RBI फॉर ऑटोमेटिक रूट एंड कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द केसेज इन्वॉल्विंग अप्रूवल। अगर अप्रूवल की जरूरत है तो अप्रूवल, और अगर ऑटोमेटिक रूट में आ रहे हो तो ऑटोमेटिक। अगर आप उस सेक्टर में एंटर कर रहे हो जहाँ 100% FDI अलाउड है तो क्या करेंगे अपन? ऑटोमेटिक रूट। और आप वहाँ एंटर कर रहे हो जहाँ 100% FDI अलाउड नहीं है, वहाँ क्या हो जाएगा? अप्रूवल रूट। 100% FDI अलाउड नहीं है। अच्छा अब एक बात समझना, आपने जे फ्राइज का नाम सुना है क्या? बस एक नहीं सुना, जे फ्राइज द जे जी, थैंक्स फॉर दैट डिटेल। तो खाया करने साले तेरे को जरूरत भी है? ऑन द कंट्री दोनों को जरूरत है, दोनों खाओ, एक आलो तू खिलाया कर, एक तू खिला इसको, ऐसे बैठ के खाते रहने का। ठीक है आ जाओ वापस से। द जे इज अ ब्रांड। अगेन द जे पे क्या मिलता है? फ्रेंच फ्राइज, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सिंगल ब्रांड सिंगल प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड के अंदर जो भी चल रहा है। द जे पे जाओगे आपको द जे के अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दैट्स अ सिंगल पार्ट। इसी जगह पे अगर मैं आपके सामने बात करूँ एक, कि आप लोग अभी के टाइम पे रिलायंस मार्ट चले जाओ या फिर कोई फूड मार्ट चले जाओ, आपको मल्टीपल चीज़ें एक ही जगह पे मिलने लग जाती हैं अंडर वन हेड। आप उसको क्या बुलाते हो? मल्टीपल ब्रांड, जो एक ही जगह पे आपको मल्टीपल चीज़ें ऑफर करता है। ऑन द कॉन्ट्री सिंगल ब्रांड का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ ऑफर करेगा। स्टारबक्स, अच्छा स्टारबक्स इज अ सिंगल ब्रांड, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओनली स्टारबक्स के प्रोडक्ट्स चलते हैं और कुछ भी नहीं चलता। वहाँ जाके अपन थोड़ी ऐसा बोलते कि कोई CCD की कॉफ़ी पिला दे, नहीं हो सकता ऐसा। आ जाओ भाई। हाँ तो डी वाला पॉइंट समझ में आ गया। ई, अच्छा ई पॉइंट बहुत अच्छा है, आप सुनना, ई पॉइंट मेरे को समझाने दो, आपने ट्राई नहीं करना, सुनना। अब ई पॉइंट क्या कह रहा है? इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 51%। हमने कहा आपका प्रपोजल है, आप मेरे देश में किसी बिजनेस के अंदर कितना 51% से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। 51 तक भी हम कुछ नहीं कह रहे थे, पर आप बियॉन्ड 51 जा रहे हो। अच्छा, पर से इंटरप्रिटेशन ऑफ बियॉन्ड 51% मीन्स कि आप लोग कंट्रोल नहीं, आप 100% एक्विजिशन करने की कोशिश कर रहे थे। तो अबव 51 हम आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि आपका पूरा है ही फॉरेन, हमारे इंडियंस का कुछ है ही नहीं। तो अब हमने क्या बोला? इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 51%। आप यहाँ पे आ रहे हो, 51% से ज़्यादा ओनर हो, रॉ मटेरियल तो हमारा ही लगेगा। जैसे हमारे श्री 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 पूज्य विद्वान श्री राहुल गांधी जी ने एक बार कही थी बात, उन्होंने कहा था कि अगर मैकडी वाले लोग यहाँ पे आ जाते हैं, उनकी टीममेट ने कहा था, मैकडी वाले लोग हमारी सरकार आने दो, उनको एक एक फुट के आलू देंगे। अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो उनके एक उसके राहुल गांधी के एक नेता ने कहा था, वरिष्ठ नेता ने, बिल्कुल वैसा ही दिखता है, ठीक है ना। आपको अगर चाहिए तो गूगल पे सर्च करना कांग्रेस राहुल गांधी 1 फुट आलू, आएगा। ये आदमी ने अलग लेवल कमिटमेंट कर रहा है, एक फिट के आलू देगा, इतना कद्दू नहीं होता, ये 1 फिट के आलू देगा, इतने बड़े बड़े आलू देगा। ठीक है भाई, तूने बोल दिया, हमने मान लिया। खैर हम तो मोदी जी की भी हर बात मान ही लेते ना, तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे दिलफेक इंसान हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड 51% सोर्सिंग, अब हमने क्या बोला? मान लो मैकडी बाहर से आया है, मैकडी यहाँ पे 51% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट चाहता है, आलू तो खरीदना पड़ेगा, ब्रेड तो खरीदनी पड़ेगी। सोर्सिंग ऑफ 30% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस्ड विल बी डन फ्रॉम इंडिया। तू जो मेरे यहाँ पे सामान बेचता है उसके लिए तेरे को रॉ मटेरियल लगता होगा, जितना रॉ मटेरियल तेरे को लगता है ना उसका 30% रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदेगा तू, तब हम तेरे को 51% से ज़्यादा की ओनरशिप लेने देंगे। अगर उससे कम लेता है तो जा फॉरेन से खरीद के ले, ठीक है, फिर हम तेरे को कस्टम लगाएंगे। पर कैसे भी तेरे को कन्विंस तो करके देंगे। पॉइंट का मतलब समझा? अगर आप 51% से ज़्यादा की ओनरशिप चाह रहे हो, सो द टोटल रॉ मटेरियल विच आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड इन दिस ईयर, उसका 30% आपने कहाँ से लेना है? इंडिया से परचेज करना है। विल बी डन फ्रॉम इंडिया, प्रेफरेबली फ्रॉम, अच्छा प्रेफरेबली किसको करना है? मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज को, विलेज इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, आर्टिसंस को, क्राफ्टमैन को, इन ऑल सेक्टर। सबसे पहले हमारे रूरल एरिया में जाओ,
सबसे पहले हमारे मीडियम स्मॉल और एकदम माइक्रो एंटरप्राइजेस की तरफ जाओ, सबसे पहले इनसे पूछना, अगर इनके पास तुम्हारा प्रोडक्ट ना हो तब तुम इंडिया के किसी और से ये खरीद लेना, श्योर ना। नाउ कम डाउन टू एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, बिग बाजार मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। मल्टी ब्रांड ट्रेडिंग मीन्स ट्रेडिंग इन मल्टीपल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्रोडक्ट्स लाइक बिग बाजार पैंटलून्स। इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 50% एफडीआई अलाउड अंडर गवर्नमेंट रूट। ध्यान से देखना इसने क्या बोला, इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग अप टू 51% एफडीआई इज अलाउड अंडर गवर्नमेंट रूट, मतलब डायरेक्ट रूट की बात नहीं कर रहा वो, गवर्नमेंट रूट की बात कर रहा है। गवर्नमेंट से परमिशन लोगे तो कितना 51% तक आ सकते हो, कहां कहां पे। कंडीशन ऑफ एफडीआई इन मल्टी ब्रांड ट्रेडिंग, फ्रेश एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स ग्रेन्स पल्सेस फ्रेश पोल्ट्री फिशरी एंड मीट प्रोडक्ट्स में भी अनब्रांडेड। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता पाएगा? आराम से दिमाग लगाना, बिग बाजार में खड़े हो तुम अभी के लिए, अभी के लिए तुम बिग बाजार में खड़े हो और अपन मल्टी ब्रांड पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब लोकल मीट शॉप, व्हाट यू ट्राइंग टू डिराइव आउट ऑफ दिस पॉइंट? मैं नहीं समझा, ओके। आप लोग दोराब जी गए, कुछ लोग दुराब जी गए हैं, आप दुराब जी पे जाइएगा पीछे, चलो इन्हीं के एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। आप पीछे की तरफ जाएं तो उन लोगों ने पूरे एकदम ऐसे फ्रिज और डीप फ्रिज सेक्शन लगा रखे हैं जिसके ऊपर आपको सच में ऐसा लोकल मीट या फिर आपने कोई भी, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बथेरी चीज़ें रखी हुई इन लोगों ने पीछे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए आगे कुछ मसाले हैं, ठीक है, वो ले लेना। तो इन आइदर तो दोनों के लिए एक बात बताने की चीज़ थी सिर्फ कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ इट इज मल्टी ब्रांडेड दैट मीन्स एवरीथिंग शुड बी ब्रांडेड। इफ इट इज मल्टी ब्रांडेड दैट मीन्स मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आर बीइंग सोल्ड अलॉन्ग विथ मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स देर कैन बी सम थिंग्स विच आर अनब्रांडेड ऑल्सो, देर इज नो प्रॉब्लम टू दैट। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि भाई पार्ले जी के बिस्किट मिल रहे हैं, टाइगर बिस्किट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक और कोई रामलाल के बिस्किट नहीं मिल सकते। रामलाल अपने बिस्किट बेचना चाहता है और लोग खाना चाहते हैं, खाओ, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा, आप लोग बिग बाजार जाते हो, पाव मिल जाएगा क्या वहाँ पे आपको? पाव भाजी वाले पाव ये सब बिग बाजार में मिल जाते हैं ना? कौन से ब्रांड के पाव खाते हो तुम? अब यहाँ मत बोलना कोई ब्रांडेड पाव खाते हो तुम लोग, ठीक है ना? लेवाइस के पाव नहीं खाओगे तुम, आओ जल्दी से। तो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, मल्टी ब्रांड शॉप्स में ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो अनब्रांडेड हो। तो आपने मतलब मल्टी ब्रांड कह दिया, इसका मतलब नहीं कि हर चीज़ ही ब्रांडेड होनी चाहिए। जल्दी से देख लें, तो उसने बोला दालें सब्जियां पोल्ट्री फिशरी मीट प्रोडक्ट्स में भी अनब्रांडेड, ये सारी चीज़ें अनब्रांडेड भी हो सकती है। सेकंड, मिनिमम अमाउंट टू बी ब्रॉट अप इन इंडिया एज एफडीआई बाय फॉरेन इन्वेस्टर वुड बी $100 million। कम से कम जब बाहर से आ रहे हो तो कितनी लक्ष्मी लेते आना, $100 million लेते आना। एटलीस्ट 50% ऑफ द एफडीआई ब्रॉट इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ $100 million shall be invested in back-end infrastructure within 3 years, where the back-end infrastructure will include capital expenditure on all activities excluding that on front-end units. अब देख रहे हो हम कितने जबरदस्ती के हॉइटी-टॉइटी हो रहे हैं, मतलब नखरे देख लो भारत के। मतलब पहली बात तो तू इतने पैसे ले क्या, और ये भी हम बताएंगे कि कहाँ उड़ा। मतलब कुल मिला के तेरे को मेरे साथ क्रिकेट खेलना है, बैट तू लाएगा, विकेट तू लाएगा, मैं बताऊँगा कहाँ लगाना है विकेट, और फिर मैं बॉलिंग नहीं करना, मैं से बैटिंग करूँगा। अगर ये सब मंजूर है तो शायद मैं तुझे टाइम दूंगा खेलने के लिए, और जरूरत भी हमें, हम बोर हो रहे हैं, ठीक है। बस अब इस कंडीशन को साथ में समझना, जब ये $100 million मांग रहे थे ना, उसको बैट समझना। मिनिमम अमाउंट टू बी ब्रॉट एज एफडीआई बाय फॉरेन इन्वेस्टर वुड बी $100 million लेता। एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल एफडीआई ब्रॉट इन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, जब तू आ रहा है ना तो बैट के साथ बॉल भी लेते ही आना, ठीक है। अब इसको अगर यहां पे बोलो तो इसने क्या बोला कि $100 million तो तू लाए गई पहले ही ट्रांजैक्शन में, इसका 50% तो बिल्कुल ही लेता आना, बाकी 50% हम देखते हैं। $50 million तो साथ में ही चाहिए अपने को। और एक सेकेंड, अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ, विकेट वहां लगा। थर्ड पॉइंट, जो तू पैसा लाया है वो इस्तेमाल कहां करेगा? दो तरीके की सर्विस होती है, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब क्या, आप कस्टमर से डील करने के लिए जो खर्चा करते हो वो फ्रंट एंड खर्चे होते हैं। बैक एंड, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चे करे इसको बैकएंड खर्चे बोलते हैं। ये क्या बोल रहा है, जो तू पैसा लाएगा वो सारा का सारा कहां लगाना, बैकएंड में लगाना, हमारे कस्टमर को सर्विस देने के लिए। इसने कहा ठीक है, और कुछ? इसने बोला खत्म नहीं हुआ है, पहले यहां तक की कंडीशन पूरी कर ले। देख लो भाई,
50% of the FDI brought in the first transaction of $100 million shall be invested in back-end infrastructure within 3 और वो भी 3 साल में खत्म कर लेना. Where back-end infrastructure will include capital expenditure. देखो उसने क्या बोला, back-end क्या करेगा, capital expenditure करता है on all activities excluding that on front-end units. अब देखो अभी हम रुके नहीं है. At least 30% of the value of procurement of manufactured process product purchased shall be sourced from India micro, small and medium industries which have a total investment in plant and machinery not exceeding $2 million. This valuation refers to the value at the time of installation without providing for depreciation. ये लो ऊपर आपने 30% की कंडीशन पढ़ी थी, डिट्टो ऊपर से नीचे कॉपी मारी है. उसने कहा कि तू भी बाहर से है ना, प्रोडक्शन करने के लिए सामान कहां से लेगा, इंडिया में से ही लेगा. श्योर एटलीस्ट 30% ऑफ द वैल्यू प्रोक्योरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स परचेज शैल बी सोर्स फ्रॉम इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज. और कौन सी एमएससी इंडस्ट्रीज विच हैव अ टोटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग $2 million. मतलब छोटी एमएसएमईज के पास जाना है जिनकी प्लांट एंड मशीनरी में $2 million से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है. रिटेल सेल्स आउटलेट मे बी सेट अप ओनली इन सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख. अच्छा ये कंडीशन 100% कंपलसरी नहीं है, पर इसका क्या कहना है कि आप लोग जब मल्टी ब्रांडेड ओपन कर रहे हो तो कहाँ ओपन करोगे, जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो एज पर 2011 सेंसस और एनी अदर सिटी एज पर द डिसीजन ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट. अगर आपको लगता है कोई सिटी जहाँ पे 10 लाख नहीं है तो फिर आपको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे तो लोग मेहनत ही नहीं कर रहे, नंबर्स कम है, तो ऐसे केस के अंदर हमको एक बार तो यहाँ पे आने दे. एंड मे ऑल्सो कवर एन एरिया ऑफ 10 किलोमीटर अराउंड द म्यूनिसिपल एल्गोरिदम लिमिट्स ऑफ सच सिटीज. रिटेल लोकेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू कन्फर्मिंग एरियाज एज पर मास्टर जोनल प्लान फॉर कंसर्न सिटीज एंड प्रोविजन विल मेड फॉर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड पार्किंग. अब नेक्स्ट चीज देखना है इसने क्या बोला कि आप जो सामान बना रहे हो ना आपने बड़ा सोच समझ के बनाना है. पहले तो पॉपुलेशन वहाँ की एटलीस्ट 10 लाख हो, प्लस आप म्यूनिसिपैलिटी के 10 किलोमीटर की रेडियस में घूमोगे. आप लोग आज अच्छा अपन यहाँ से बाहर निकले तो डीमार्ट या बिग बाजार यहीं बाहर मिल जाएगा क्या, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में तो 100% मिल जाएगा. सही है, आप मुंबई पुणे हाईवे पे जाओ, मेरे को रस्ते के बीच में कहीं रिलायंस मार्ट दो ना, बिग बाजार, पैंटलून, आप कुछ भी नहीं दे पाओगे. आपने कहा भाई हाईवे म्यूनिसिपैलिटी नहीं लगती वहाँ पे, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी नहीं लगती जहाँ पॉपुलेशन नहीं है तो वो बेचेगा क्या. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो व्हाट इज ट्राइंग टू से कि अगर आप हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको हमारे मास्टर जोनल प्लान्स को अधेयर करना पड़ेगा जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो और म्यूनिसिपैलिटी के 10 किलोमीटर के रेडियस में हो. गवर्नमेंट विल हैव द फर्स्ट राइट टू प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. गवर्नमेंट ने कहा एक सेकेंड, तू बाहर से आया पैसे लेके आया, वेरी गुड, तू बाहर से आया पैसे लेके आया और तू हमारे इंडिया का ही सामान खरीद रहा है, पर एक सेकेंड गोलमाल अगेन देखिए, समोसा एक था हाथ दो, याद आ रहा है वो सीन, गोपू ने समोसा कैप्चर कर लिया था, ऊपर से एक और हाथ आ गया. सेम ये है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. हमने कहा बाहर से आते हुए कितने पैसे लेता आना, $100 मिलियन. पहली बार में तो कम से कम कितने ले ही आना, मैंने कोई बेटी ब्याह के ला रहे हैं दहेज मांग रहे साले, 100 मिलियन लेता आना, 50 मिलियन तो बिल्कुल ही लेता आना. और ये भी कहाँ यूज करना, बैक एंड में. और तेरा जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है वो भी कहाँ से करना, एटलीस्ट टोटल का 30% इंडिया से करना. अब क्या हो गया ना, तुम भी तुम्हारा प्रोक्योरमेंट करने आ गए और हम भी आ गए, तो अब तुम भी यही हो हम भी यही हैं, तो प्रोक्योरमेंट बाय फिरंगी एंड स्वदेशी प्रोक्योरमेंट. हाँ जी, तो अब तुम भी और हम भी यही छे. सामान कौन लेगा, सामान तो लिमिटेड है. हमने कहा सर सवाल ही नहीं, इंडिया के पास हर बार एग्रीकल्चर के ऊपर पहला अधिकार होगा, पहले हम खाएंगे, बच गया तो फिर तू डकारेगा. ठीक है एकदम. सो द लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट विल हैव द फर्स्ट राइट टू प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. कभी भी कोई भी दंगा हुआ पहला अपन उठाएगा सामान, चाहे हम लेट क्यों ना हो. एकदम ठीक, आप देख रहे हो ना हम लोग कितना एहसान कर रहे हैं. समझ में आ रहा है ना क्यों FDI नहीं आती अपने पास.
द अबव पॉलिसी इज एन एनेबलिंग पॉलिसी. अच्छा ऊपर से देख रहे हो खुद की तारीफ कर रहे हैं, मतलब बेशर्मियत की हद यहाँ थी. द अबव पॉलिसी इज एनेबलिंग पॉलिसी ओनली एंड द स्टेट गवर्नमेंट टेरिटरी वुड बी फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन इन रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव पॉलिसी. अभी तक इनकी आत्मा ठंडी नहीं हुई है, इन्होंने कहा ऊपर तो हमने ऐसे ही कह दिया है और स्टेट को अगर लगता है इससे भी खतरनाक कंडीशन करनी हो तो कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं. हमने कहा थैंक यू, ये कम पड़ गई थी तुमको, तुम और करना. और फिर हम कहते हैं कि मित्रों क्यों नहीं मिल रहा इन्वेस्टमेंट. आप इसी जगह पे इसराइल की पॉलिसीज देख लेना एफडीआई की. भाई साहब आप खाली वहां पे इन्वेस्ट करने की बात करो, यहां आके रोज तुमको नहलाएंगे जब तक तुम आते नहीं हो. समथिंग बेटर इन एक्शंस. ऐसी बुरी हालत है, मतलब इतना गजब इज्जत देते हैं, मतलब जो तुम बोलोगे वो धोएंगे. एफडीआई इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आ जाए. अच्छा इसके अंदर कुछ नहीं है. एआरसी का मतलब आपको सर ने सिक्योरिटाइजेशन पढ़ाया कभी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन हमको पता है अकाउंट्स के हिसाब से. दो भाई ने बताया था दो कंपनी जब मर्ज हो जाती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ बोला था क्या? अगर ऐसा कुछ बोला था तो डूब मरना कहीं जाके और उनको भी ले जाना साथ में. हाँ अच्छा ये लेंगे मेरे डिसीजन, मैं खुद ले लूँगा, खुद इन्वेस्ट करना है. आप क्यों करोगे डिसीजन? मान लो आप एआरसी हो, मेरे क्या करना, खुद के डिसीजन ले. एनीवन एल्स? हाँ अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना. क्या कहना है आपका? नहीं देख ले बुक में ढूंढ ले. नहीं मिला एआरसी उसमें होगा ना. अरे आंख जल्दी देखना, तेरे को क्या कह रहा है, इतनी जल्दी थोड़ी मिलेगा, टाइम दो थोड़ा. आपके एथिक्स ही गलत है, 300 पन्नों की बुक कहाँ से ढूंढूँ एआरसी एक मिनट में. हाँ देख लिया, इतनी जल्दी मिल गया तू साले, प्रोसेसर तेज है. हाँ चलेगा, चल मैं बता देता हूँ. बट यस यू वर राइट. बैंक का एसेट क्या है? बैंक का एसेट है जो उसने तुमको लोन दिया है, क्योंकि तुम आज ही तो कल वो लोन वापस करोगे अगर तुम विजय माल्या नहीं हो तो. बैंक की एसेट क्या है? अगर तुम नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों नहीं हो तो वो लोन उसकी एसेट है, और इसी लोन के ऊपर तुम उसको और क्या दोगे? इंटरेस्ट, वो भी उसकी क्या है? एसेट. पर तुम निकले निकम्मे, इंटरेस्ट देना बंद कर दिया और गायब हो गए. वही चीज जो अब उसकी एसेट हुआ करती थी, वही चीज जो उसकी परफॉर्मिंग एसेट हुआ करती थी, अब क्या बन गई? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिकॉज नाउ दिस एसेट डज नॉट परफॉर्म. इसने कहा मेरे पास ये काम धंधा नहीं है कि मैं जाके रिकवरी करूंगी, मैं क्या कर रही हूं, स्ट्रेट अवे जाऊंगी एक एआरसी के पास. एआरसी क्या है भाई? सरफेसी के अंदर बनाई गई बॉडी भाई, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी. ये क्या करती है, ये आपके बताती है, बोलती अरे क्या हुआ, मजाक हो गया क्या, कितने का हुआ है? 1 करोड़ 2 करोड़. एक काम कर, 70% डिस्काउंट पे दे दे, 30% डिस्काउंट पे दे दे, 40% डिस्काउंट पे दे दे. ये डिस्काउंट कैसे मांगते हैं? चेक करके कि सामने वाले से वसूली होने का कितना चांस है. लाइक अगर आज कोई भी एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी एसबीआई के पास जाए या बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाए और जाके बोले कि भाई वो अपने विजय माल्या के साथ किया ना, 50% ऑफ में मेरे को दे दे, हाथ पाँव जोड़ के दे देंगे तुमको, क्योंकि आना ही नहीं है विजय माल्या वापस आपके पकड़ में, भाग चुका है. तो 50% भी आए तो बैंक तो खुश है, बोले कोई बात नहीं, चाय का खर्चा निकला हमारी, आन दे और ले लेंगे पैसे. पर आप रिकवरी कैसे करोगे? ठीक है एकदम, और धूम पिक्चर तो चल नहीं रही है कि तुम्हारे दो ऑफिसर बाहर जाके उसको पकड़ के आ लेंगे, ठीक है ना. तो एज ए फिजी मान दो, मतलब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, यहाँ पे तुम्हारे क्रिकेटर उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है ना. सो लेट्स बी ऑनेस्ट. तो हमने कहा कि एआरसी पहले मॉनिटर करती है कि कितना चांस है रिकवरी करने का, बेस्ड ऑन विच दे विल से कि इतना डिस्काउंट चाहिए. अब आपने कहा सर फिर ये एआरसी क्या करती है? बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाती है और जाके बोलती है भाई देख सुन, 1 करोड़ की लाइबिलिटी है, अपने को 60 लाख में मिल रही है, रिकवरी अपन कर लेंगे.
कोई लोड नहीं है, और नहीं भी तो उसकी जायदाद वायदाद ढूंढ ली है, इनके पास जो प्रॉपर्टी पड़ी मिला मिला के 80 लाख रुपए तो निकाल ही लेंगे, बहुत कम चांस है कि बिल्कुल ही मजाक हो जाए एंड में, पर प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस है और बहुत जल्दी पैसे लगा। अब ये बड़ा इन्वेस्टर इसको पैसे देता है और ये आगे बैंक ओरिजिनेटर को पैसे देता है कि ला तू प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर, ये करके आप बैंक की एनपीए साफ कर देते हो और इसीलिए इसको बोलते हैं एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी। सर एक बैंक भी जिद्दी है, नहीं बेचना चाह रही, कह रही नहीं नीरव मोदी ने उठाया ना हम लाएंगे उसको वापस। हमने कहा ठीक है तू ला, बट सर ये तो फिर एआरसी फेल होने लग जाएंगी अगर बैंक जिद्दी हो गई कि नहीं हम हमारी डेट नहीं बेचेंगे सस्ते में। आरबीआई का एक नोटिफिकेशन है कि अगर कभी भी आपकी एनपीए आपकी पीए से ज़्यादा हो गई तो आपको 90 दिन के अंदर खुद को बंद करना पड़ेगा। तो इस डर से ये लोग एआरसी के पास जाएंगे ही जाएंगे अपने एनपीए लेकर, श्योर ना। अब एआरसी सबको बताए, अब सवाल क्या है कि क्या एफडीआई एआरसी में हो सकती है कि नहीं, देख लो मेन काम हो चुका है आपका। अरे पहले ही लिखा है भाई, मेरे को तुमको एआरसी सिखाना था, यहां आंसर पहले दिया हुआ है, श्योर है सिंपल था। हाँ जी कंडीशन देख लीजिए, अगेन इसमें कोई कंडीशन नहीं, आपने तो ध्यान नहीं देना, जल्दी देख लो। डन है क्या, तब तो नहीं कुछ। नाउ एफडीआई एंड इंश्योरेंस। अच्छा बेटा ना एक चीज़ की आदत बनाए चलो, अगर आपको चाहिए तो फ्रंट पेज पे लिख के रख लो किस पे कितना एफडीआई परमिसेबल है। मैंने आपको बताया था 50% इंश्योरेंस जहाँ शुरू किया था अपन ने, आ गया 49% पे अपन। अब बात समझे आपने, अगर अभी एकदम से मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस में कितना एफडीआई अलाउड है, देखा जो ये अभी गोबर कर रहे हो ना, ये गोबर ना करने के लिए पेपर पे लिखो 100% अलाउड है, बट आपने बोलना था ये, चलो लिख लो एक बार सारे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। अच्छा आप ना अब बस एक दो पॉइंट और हैं जिसमें एफडीआई का आपने बहुत मेजर पार्ट अच्छा कवर कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा स्मूथ चलेगा चैप्टर, मतलब अभी तक आपने हार्ड पार्ट फेस कर लिया था। मान लो कि अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ आई है तो ये हार्ड पार्ट था एफडीआई का, नहीं आई है तो थैंक यू। अबे पन्ने गिनना बंद करो, तुमको कुछ लिखने के लिए बोला था। लिख लिया सबने, लास्ट बॉडी इसके बाद इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स है, पढ़ा दूँ जल्दी से। अच्छा पहले ना मैं इसका एक बार आपको एक क्रक समझा देता हूँ जो आपने ध्यान रखना है। जब आप बात करते हो एफडीआर इंश्योरेंस की, पहली बात इंश्योरेंस किसके अंदर गवर्न होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA उसके अंदर आता है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो हम हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को लेके बड़े पर्टिकुलर हैं, हम हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को लेके बड़े पर्टिकुलर हैं, कैसे हमने कह दिया कभी भी
49% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई भी फॉरेन एंटिटी किसी भी हालत में नहीं कर सकती। वन पॉइंट इज क्लियर। आपने अश्योर करना है कि एट ऑल टाइम इंश्योरेंस कंपनी की ओनरशिप एक इंडियन रेसिडेंट के पास ही रहेगी। श्योर है? पक्का? और जब कभी भी आप ये इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो ना 49% का भी, ये भी हम आपको एकदम ऑटोमेटिक रूट नहीं दे रहे, आपने अप्रूवल रूट से आना है और साथ साथ में किसका अप्रूवल लेना है? IRDA का भी अप्रूवल लेना है। याद रहेगा, सारी कंडीशंस बड़ी सिंपल थी। देखते हैं, FDI इज अलाउड इन इंश्योरेंस कंपनी, माय गॉड, इंश्योरेंस ब्रोकर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर एंड लॉस असेसर्स। अच्छा, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स एक ही होते हैं, एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। अब देखो, बड़ा टाइम पास ही बात है, इन सब में से मैं खाली आपको इंश्योरेंस कंपनी का पढ़ा रहा हूं, बाकी सबका सेम होता है। आपके सामने कल वो इंश्योरेंस ब्रोकर लिखे या कुछ भी लिखे, द आंसर विल रिमेन सेम। श्योर? कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस, नो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शैल अलाउ एग्रीगेट होल्डिंग बाय वे ऑफ टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इट्स इक्विटी शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू एक्सीड 49% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 49% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल शैल बी अलाउड ऑन ऑटोमेटिक रूट सब्जेक्ट टू अप्रूवल वेरिफिकेशन बाय द IRDA। तो इसने क्या बोला कि इस बार आपकी अथॉरिटी और कोई नहीं, कौन बन जाती है? IRDA। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारे को कोई दिक्कत नहीं, तो आ भाई 49% भी इन्वेस्ट करना है ना, तो किससे अप्रूवल लेके आना? IRDA से। तो हमारी तरफ से ही ऑटोमेटिक है, पर ऑटोमेटिक बनने के लिए भी तुझे किसके पास जाना पड़ेगा? IRDA के पास जाना पड़ेगा। श्योर? थर्ड, FDI इन सेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट एंड द कंडीशन दैट कंपनीज रिसीविंग FDI शैल ऑब्टेन नेसेसरी लाइसेंस अप्रूवल फ्रॉम IRDA फॉर अंडरटेकिंग इंश्योरेंस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। एको कार इंश्योरेंस का नाम सुना है? एको नहीं सुना अभी, बस एकदम। आप में से किसी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो रहा है क्या? अगर हो रहा हो ना, तो एको इंश्योरेंस पे ट्राई करके देख लेना एक बार। मतलब 50% / price इज वॉट यू से कि एको ने किया है, मतलब बिल्कुल ही प्राइजेस खत्म करके रख दी, खत्म मतलब निल पे ले आया। मेरी कार का इंश्योरेंस आता है हर साल 18,000 से 19,000 रुपये, मैंने इस बार वो इंश्योरेंस कराया होगा 8,500 में। मतलब अलग लेवल खुशी, तू बाद में क्लेम भी मत सेटल करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा मन सुकून है कि भाई मतलब पहली बार 8,000। मैंने ना अभी एक रिसेंटली एक सेकेंड हैंड ऑडी देखी थी कि एक सेकेंड हैंड ऑडी लूँगा, और बहुत सस्ते में दे रहा था, मतलब एकदम कौड़ियों के दाम पे। मैं कहा यार बनती है, मैंने सिर्फ उसकी इंश्योरेंस का पार्ट देखा। उसने कहा सर नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस 4 महीने बाद है। भाई 130,000 इंश्योरेंस। मैं कहा थोड़ा तो रहम खाओ, बस 2,000 कम करते नैनो है, एक 28 पे नैनो मिल जाती, एक 30 पे खाली इंश्योर हो रही है गाड़ी, इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। अब इसने क्या बोला, अगर आप कोई बाहर का बंदा यहाँ पे आ रहा है IRDA से अप्रूवल लेता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, एको इंडिया ने कि बाहर का है, इंडिया का ही है, इन्वेस्टर्स कुछ बाहर के लेके आए अपने साथ साथ जिसने आपको यहाँ पे पैसे प्रोवाइड किए, तो अभी सबसे रैपिड ग्रोइंग बन गया है वो, एकदम से बहुत जल्दी जल्दी हर कोई उससे इंश्योरेंस करवा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीप दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा चीप कर रहा है। अब देखेंगे ये 1-2 साल में ये पता पड़ेगा कि उसका वो रेशो, सेटलमेंट रेशो कैसा आता है कि भाई क्लेम सेटल करता है कि नहीं करता है। बाकी जो उसने प्रोमिसज किए हैं उस हिसाब से तो वो हमेशा मेरे साथ गाड़ी में पीछे कहीं बैठा है एक तरीके से, ऐसे गजब वादे किए उसने। एंड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शैल इंश्योर दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल रिमेन्स एट ऑल टाइम्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट इंडियन एंटिटीज एज डिटरमाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज IRDA एज पर द रूल रेगुलेशन इशूड बाय देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनी इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्राइसिंग गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द फेमा रेगुलेशन। लास्ट, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैप इज 49% शैल अप्लाई ऑन सेम टर्म्स एज अबाउट टू इंश्योरेंस ब्रोकर, थर्ड पार्टी, सर्वेयर एंड अदर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज अपॉइंटेड अंडर द
IRDA Act 1999. सिंपल है, जो ऊपर आप पूरा प्रोविजन पढ़ गया है वो सब पे लागू होता है, चाहे आप इंश्योरेंस ब्रोकर हो, सर्वेयर हो, लॉस असेसर हो, सब पे लागू होगा. नोट, वेर एन एंटिटी लाइक अ बैंक हुज प्राइमरी बिजनेस इज आउटसाइड द इंश्योरेंस एरिया इज अलाउड बाय द IRDA टू फंक्शन एज एन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, द फॉरेन एंटिटी इन्वेस्टमेंट कैप्स एप्लीकेबल इन दैट सेक्टर शैल कंटिन्यू टू अप्लाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द रेवेन्यूज ऑफ सच एंटिटीज फ्रॉम देयर प्राइमरी बिजनेस मस्ट रिमेन अबव 15% of the total revenue of any financial year. Certain provision relating to banking private sector shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies. जल्दी बता दो इस नोट का मतलब. अगर दम हो तो 10 सेकंड का टाइम है. 10, 9, 10, 9, 8. अभी डिस्टर्ब हो रहे हो ना साले, बड़े दिक्कतें हो रही तुम्हें. वाह, नहीं मैंने 10 सेकेंड हो गए, तेरे को समझ में नहीं आया भाई, हम नहीं दे रहे जवाब, नीचे देख के रेस्ट कर रहे हैं. यस भाई, अच्छा हम क्या करें, अब ज़्यादा लोग इंश्योरेंस कराते हैं डिपॉजिट की जगह, मतलब क्या करूँ मैं. मतलब आप लोग पहुँच गए सही, पर आपने काफ़ी लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करी. एक्सिस बैंक RBI नॉर्म्स के अंदर इज अ क्लीन बैंक, नाउ हैज़ स्टार्टेड परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज एज वेल विद द ग्रेस ऑफ IRDA अप्रूविंग देयर सैंक्शन प्लान्स टू इंश्योर. हाउएवर the sectoral cap of 49% will not be applicable on banks. Why? Because their primary business is of banking. So this 49% sectoral cap of FDI will not be applicable when your primary activity is still banking. Then we said, how do you determine that this is your primary activity? It says out of your last year's profit, more than 50% of the profit should be from banking industry and not from इंश्योरेंस इंडस्ट्री. एंड जस्ट इन केस आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप बैंक नहीं, फिर खुद को इंश्योरेंस एजेंसी की तरह ट्रीट करिए और फिर इन दैट केस 49% का गाइडलाइन आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा. बात समझ में आ गई किन को? हाँ, बैंक को ज़्यादा FDI अलाउड है ना एज कम्पेयर टू, आपने ऊपर बैंक में कहीं पढ़ा कोई FDI लिमिट अभी तक? नहीं ना, तो अपने लिए तो ऑन पेपर अभी तक बैंक को ज़्यादा अलाउड है और इंश्योरेंस को कम है. तो आपने बोला कि जो आपका प्राइमरी बिजनेस है ना तो उस सेक्टर में जितना परमिसेबल हो वो करना, तो ऑपोजिट वे ले ले, बैंक को 25% ही अलाउड है तो भी आप 49 नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि आपका प्राइमरी बिजनेस बैंकिंग है ना, तो 25% ही, तो अपने को परसेंटेज से फर्क ही नहीं पड़ता. द पॉइंट ऑफ बीइंग सेइंग इज कि जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है वो सेक्टर के ऊपर आप आने वाले हैं. एकदम ठीक. चलिए लेट्स स्टार्ट टाइप्स. कूटे किधर है? हाँ, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर FDI. अच्छा, इंडियन कंपनीज कैन इशू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स सब्जेक्ट टू द प्राइसिंग गाइडलाइंस, वैल्यूएशन नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर फेमा. फेमा रेगुलेशंस के अंदर आप शेयर्स इशू कर सकते हो, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, आप रिसीट्स इशू कर सकते हो बाहर से पैसा रेज करने के लिए. बाहर से पैसा रेज कर रहे हो FDI, बाहर से पैसा रेज कर रहे हो FDI. द प्राइस और द कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टेबल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी डिटरमाइंड अपफ्रंट. अच्छा, व्हाट इज अपफ्रंट? हम जब जा रहे हैं इशू करने, अपफ्रंट आपको कॉस्ट बतानी होगी, बाद में कन्वर्जन कॉस्ट नहीं बताई जाती है. मैं अगर आज आपको बोल रहा हूं कि फ्यूचर में मैं तेरे को कन्वर्जन ऑप्शन दूंगा, तो मैं तेरे को आज बताऊंगा फ्यूचर में किस प्राइस पे कन्वर्जन करना है.
issue of the instrument, note the price at the time of conversion should not in any case be lower than the fair market worked out value. इसका मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी conversion कर रहे हैं ना, कभी भी उस time पे जो fair market value चल रही है आपका कन्वर्जन प्राइस उससे कम नहीं हो सकता. नाउ दैट मीन्स व्हाट, आप एक साल बाद कन्वर्जन करने वाले थे ऑफ द डेट इनटू इक्विटी एंड यू सेड दैट द वैल्यू फॉर कन्वर्जन विल बी 2% हाई देन व्हाट इज राइट नाउ. पर उस टाइम की फेयर मार्केट वैल्यू कह रही थी इट्स 5% हाई. तो आप एफएमवी फॉलो करोगे एंड नॉट दैट 2% जो आप लोगों ने पहले स्टेट किया था. मेक सेंस. एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट फेमा रेगुलेशंस optionally clauses are allowed in equity shares debentures and preference shares under FDI scheme subject to the following conditions. ab dekho please is cheez ko yahan se dhyan dena, bas idhar se hi connection bithana tha banne. optionality clauses are allowed in equity shares, matlab aap equity shares ke saath unko option de sakte ho future mein aur shares khareedne ka. optionality clause aapko sir ne kabhi padhaya equity share with options? nahi padhaya यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम साले सर के स्टूडेंट हो यार, ऐसी बातें मत करो, मतलब हम उनसे एजुकेटेड होते हैं. I'll repeat again. ऑप्शनैलिटी क्लॉज आर अलाउड इन इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर. क्या आप वारंट्स, आपको सर ने पढ़ाया वारंट्स क्या होते हैं? वारंट मतलब क्या बच्चू? शेयर्स के बाद वारंट दिया, तो वारंट से क्या करते हो, लेके घूमते हो सर? वारंट से करते क्या हो? 25% अपफ्रंट पेमेंट होता है, मेरे को भी बताया, ICDR रेगुलेशन मैंने भी पढ़े, पर वारंट से करते क्या हो? व्हाट इज दैट वारंट? दिस वारंट आई सेड हेयर इज योर 10 शेयर्स एंड अ वारंट, व्हाट इज दिस? इसमें 25% देंगे, अबे है क्या ये तो बताओ. कह दो ये भी नहीं था, ये वाला था. वारंट क्या होते हैं? मैंने आज विकास सर को बताना था कि तुम तो मतलब गोबर करने की भी मतलब कला में एक्सपर्टीज कर चुके हो, डिजाइन बना रहे हैं बैठ के. बच्चे वारंट्स का मतलब होता है ऑप्शंस. शेयर्स जब खरीदते हैं ना आपको साथ में वारंट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, जिसका आप 25% अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा. अगर एट द स्टिपुलेटेड टाइम आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तो ये अपफ्रंट मनी फोरफीट कर लिया जाता है, और अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं तो रिमेनिंग पेमेंट देके आप अपने उन शेयर्स को अक्वायर कर सकते हैं. तो वारंट इज एन ऑप्शन. ऑप्शन दैट मीन्स ऑप्शनैलिटी क्लॉज. अब ये क्या बोल रहे हैं, ऑप्शनैलिटी क्लॉज आर अलाउड इन इक्विटी शेयर्स. मैं इक्विटी शेयर्स के साथ भी ऑप्शंस दे सकता हूँ, डिबेंचर्स के साथ, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ, अंडर एफडीआई स्कीम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. पर अगर आपको इक्विटी शेयर, डेट या फिर किसी के साथ भी एक ऑप्शन देना है, ऑप्शन मतलब एक वारंट देना है, तो आपको ये नीचे वाली दो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी. बड़ी सिंपल सी है. पहला है लॉक इन. देयर इज अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर व्हिच शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच कैपिटल इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शन कितने टाइम के लिए लॉक इन होना चाहिए? कम से कम एक साल का लॉक इन चाहिए. ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, एक साल के बाद एक्सरसाइज होगा. सेकंड, एग्जिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आफ्टर द लॉक इन पीरियड एंड सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी प्रोविजन इफ एनी द नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन और राइट शैल बी एलिजिबल टू एग्जिट विदाउट एनी अश्योर्ड रिटर्न. और क्या वो बंदा एक साल के बाद लॉक इन खत्म होने के बाद कभी भी इसको बेच के निकल सकता है? 100% निकल सकता है, आप उसको रोक ही नहीं सकते. तो बस एक ही कंडीशन है, एक साल का लॉक इन, उसके बाद उसको जाने देना है अगर वो जाना चाहता है तो. शेयर्स लेके रखना चाहता है बिल्कुल बैठ, तेरा घर है, नहीं तो पकड़ तेरे पैसे, तू तेरे रस्ते. नाउ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वेरी टफ. आपने लाइफ में कभी ये वर्ड नहीं सुना होगा, ठीक है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? अच्छा, शेयर्स चाहे आप प्रेफरेंस शेयर बोलो, इक्विटी शेयर बोलो, शेयर मीन्स शेयर. प्रेफरेंस शेयर हैज जस्ट गॉट सम प्रेफरेंसेस ओवर एंड अबाउ इक्विटी शेयर्स. Preference shares have got some kind of preferences over and above equity shares. There are two preferences given to preference shares as compared to equity shares. The first is at the payment of dividend and at the time of payment of capital, at the time of winding up. Sure enough, other types of preference shares and debenture, that is non-convertible, optionally convertible or partially. अच्छा, क्या यहाँ पे non-convertible preference shares भी हो सकते हैं? Partially convertible, fully convertible. Non convertible, optionally convertible, partially convertible, for which funds have been received on or after 1st May 2007. क्योंकि बच्चे regulation 2007 के बाद आया था, तो उन्होंने बोला कि मैं कौन से वाले preference shares के ऊपर applicable होऊंगा, वो preference shares जो 1st May 2007 या फिर उसके बाद आए are considered as debt. उनको कैसा consider करना? Debt. सर क्यों debt क्यों consider करें? Preference share हमको सिखाया गया equity होता है. दोस्त
प्रेफरेंस शेयर पराया धन ही है। डज प्रेफरेंस शेयर कम विद इटर्नल लाइफ? सर पहले इटर्नल का हिंदी मतलब बताओ। नहीं आते हैं। व्हाट्स द लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? पता ही था फंसेंगे सर। बैंकिंग अरे ओए इंटरनेशनल पेटेंटेड गोबरों क्या कर रहे हो ये, अब तो बदबू आने लगी है, थोड़ा धीरे रोको। अब वापस आते हैं कहां थे अपन? प्रेफरेंशियस। थैंक यू फॉर सच ग्रेट अमेजिंग डेफिनेशन। सो प्रेफरेंशियल हैज नो इटर्नल कैपिटल, एक ना एक दिन पराया धन है, चला ही जाएगा। 20 साल लाइफ है इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, 30 साल लाइफ हो जाती है, जहाँ पे 21 साल से अपने को 10-10% का रिडेम्पशन करना होता है, जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा, वी कैन हेल्प इट। अकॉर्डिंगली ऑल नॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर ECBs रिलेटिंग टू एलिजिबल बोरोवर्स, रिकग्नाइज लेंडर्स, अमाउंट एंड मेचोरिटी, एंड यू स्टिपुलेशन शैल अप्लाई। अच्छा, मैंने आप लोग को ECB पढ़ाया था, जस्ट इन केस यू रिमेंबर। कितने ट्रैक होते हैं ECB के अंदर? दो। फॉर दोस जिनको ECB याद नहीं, प्लीज फॉलो माई YouTube चैनल, ओवर देयर ECB का अपडेटेड लेक्चर है आप लोगों के लिए। बट नाइदर केसेस दो ट्रैक होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक होता है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड और दूसरा होता है इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड। अपन ने फायदा बात करी थी इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड की। इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के अंदर का फायदा क्या था? यू सेड सबसे अच्छा फायदा सर एक्सचेंज रेट का लॉस नहीं होता था। अगर अभी भी आपको याद नहीं आ रहा तो थू और जाके देख लेना वहां पे वीडियो में, ठीक है। फर्स्ट में 2007 के बाद से आपने प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे डील करना है? डेट की तरह डील करना है, और डेट अंदर फॉरेन रूल्स के अंदर अपन उसको ECB बुलाते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इसके ऊपर ECB रूल लगेंगे सारे के सारे। जिनको ECB याद नहीं आ रहा, आज ही कह रहा हूं घर जाके देख लेना ECB वाला वीडियो, प्रमोशन नहीं कर रहा। सिंस दीज इंस्ट्रूमेंट्स वुड बी डिनोमिनेटेड इन रूपी, द रूपी इंटरेस्ट रेट विल बी बेस्ड ऑन द स्वैप इक्वलेंट टू लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबर प्लस द स्प्रेड एज पॉमिसिबल फॉर ECBs फॉर करस्पॉन्डिंग मेचोरिटी। मुझे पता है कि यहाँ भी आप लोगों को अचानक से थोड़ी सी बदबू छोड़ने का मन हुआ होगा, मत छोड़िए, मैं खत्म कर देता हूँ उसे। आप जवाब देना ही मत, अब है ना, आप रिफ्रेन करना। अब अगर आपको जवाब आ भी रहा हो ना, इधर उधर देखने लग जाना, ठीक है, एकदम पक्का, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अब सुनना कैसे, रोको रोको, कंट्रोल करो, लीक नहीं करनी अपन ने, चाहे कितनी भी जोर से नहीं, बस रोकना है, निकलने नीचे अपने, बहुत गोबर कर चुके हो आज के लिए, तुम कमजोर हो जाओगे, सुनो अब आराम से। सो कमिंग डाउन बैक, आपने कहा कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स जो 1 मई 2007 ऑनवर्ड्स या 1 मई 2007 से प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए, उनने कैसे डील करना है? बनने डेट की तरह डील करना है। अच्छा, डेट कहां पे डील होता है? ECB के अंदर डील होता है। ECB के अंदर कितने ट्रैक होते हैं? दो ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक कौन सा है? फॉरेन करेंसी। दूसरा कौन सा है? इंडियन। अपन कौन से वाली साइड घुस गए? इंडियन वाली साइड चले गए। अब रुक जाना, इंडियन साइड आप घुस गए, इसने बोला कि इंटरेस्ट रेट भी फिर इंडियन रुपीज में ही दोगे, पर बात समझो, आप तो इंडियन रुपीज में ब्याज दोगे पर बाहर फुरेनर है, उसको तुम्हारी बात कैसे समझेगी? तो हमने कहा कोई टेंशन की बात नहीं, अपन ने क्या करना, स्वैप एक्सरसाइज करना है। क्या करना है? स्वैप। अब प्लीज तुम स्वैप का मतलब गलत मत लेना, यहां पे स्वैप का मतलब क्या है समझना। यह कहना चाह रहा है कि अगर फॉरेन में इस करेंसी पे इतना स्वैप मांगा जा रहा है तो उसको कन्वर्ट कर दो इंडियन करेंसी के अंदर, जितना इंडियन करेंसी के अंदर वो बोल रहा है उतना अपन क्या भर देंगे, इंटरेस्ट रेट भर देंगे। हमने कहां से ढूंढेगा तू ये चीज कि कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? इसीलिए आपको लिबर करके एक चीज बताई हमने। लिबर क्या है? इट्स लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये सबसे बेंचमार्क रेट होती है जहां पे सारे के सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, दैट इज लिबर। सर फुल फॉर्म याद रखना है क्या? मुझे तुम्हारी शक्ल देख के पता नहीं रखोगे, पर लिबर तो याद रख लोगे। थैंक यू। नाउ इश्यूएंस ऑफ DRs। DRs मतलब क्या? तुमको क्या समझाया था अभी? जवाब आए इधर उधर देखो, ठीक है। DR मतलब क्या? बहुत बढ़िया, ये एकदम सही है, एकदम सही, आ जाओ। हाँ, तो जब अपन बात कर रहे थे डिपॉजिट रिसीट्स की, इसने क्या बोला कि जब कभी भी कोई कंपनी अपना मार्केट एग्जॉस्ट कर जाती है, जब कभी भी कोई कंपनी अपना मार्केट एग्जॉस्ट कर जाती है तो वो क्या करती है, वो फॉरेन जाती है और फॉरेन जाके बोलती है कि मेरे शेयर्स को मैं आपको एज एन अंडरलाइंग एसेट देती हूँ और आप इन रिटर्न मेरे को पैसे दे दो। हमने बोला ऐसा कैसा? तो इसने कहा कि मैं मेरे शेयर्स के बिहाफ पे आप लोग को ADR या GDR इशू कर दूंगी। हमने कहा ऐसे कैसे? इसने कहा ADR मतलब गुड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट,
और जीडीआर मतलब देखा लीक हुई कहा तुम लोग को रोको जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। दोनों ही केसेस में जब आप डिपॉजिटरी रिसीट वर्ड यूज करते हो इसका मतलब है एक रिसीट काटी है फॉरेन में किसी ने तुम्हारे अंडरलाइंग शेयर्स के ऊपर। शेयर्स की प्राइस यहां से चलेगी, बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, प्राइस वहां पे तुम चला लो, पर ये प्राइस चल कहां से रही है, इंडियन शेयर्स के ऊपर चल रही है। ये अच्छा परफॉर्म करेगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ये खराब वो खराब, श्योर इनफ दैट्स डिपॉजिटरी रिसीट्स फॉर यू। द इनवर्ड रेमिटेंस, अच्छा रेमिटेंस मतलब क्या था, भेजना, रेमिटेंस मतलब भेजना, इनवर्ड रेमिटेंस मतलब मेरे देश में भेजना। द इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव बाय इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी को बाहर से पैसा आ रहा है इसको क्या बोलोगे, इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव बाय इंडियन कंपनी वाइड इश्यूएंस ऑफ डीआरएस एंड एफसीसीबीज। व्हाट इज एफसीसीबीज, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मैंने आपको ना दो चीजें पढ़ाई थी, एफसीसीबी एफसीईबी, डिफरेंस बताओ, देखा हो रहे हो लीक, फंस गए, सेम कंपनी जिसने इशू किया है, बस आधे में रोक लिया आधे में कर दिया। हाँ यस एफसीबी लॉरेन, मैं क्या तुमने फिर से बोला संभल के हाँ बहुत ही छाट, बच गए तुमने इस बार, तुमने सही एकदम सही, अब तुम्हारा पेट ठीक है। तो एफसीसीबी और एफसीबी की बात कर रहे थे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड मींस बॉन्ड्स विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द सेम कंपनी जिसने बॉन्ड इशू किया। एफसीईबी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, मैंने आज आपको बॉन्ड्स इशू किए बट अगर फ्यूचर में आप एक्सचेंज एक्साइज करेंगे तो मेरी कंपनी के शेयर्स नहीं, मेरी किसी और कंपनी के शेयर्स आपको मिल जाएंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एफसीईबी। खैर अभी उसका कोई खासा काम नहीं, ये सिर्फ तरीका बता रहे हैं कि आप डिपॉजिटरी रिसीट इशू करके एफसीसीबी इशू करके एफडीआई रेज कर सकते हो और उसको अपन लोग एफडीआई ट्रीट करते हैं। एक्विजिशन ऑफ वारंट्स एंड पार्टली पेड शेयर्स, एन इंडियन कंपनी में इशू वारंट्स एंड पार्टली पेड शेयर्स टू द पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन एज स्टिपुलेटेड बाय आरबीआई इन दिस बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्लीज वापस से सुनिएगा इसने क्या बोला, वारंट्स का मतलब क्या होता था अभी बताया, बहुत ही छाट ऑप्शंस, एक्विजिशन ऑफ ऑप्शंस एंड पार्टली पेड शेयर्स, एन इंडियन कंपनी में इशू ऑप्शंस एंड पार्टली पेड शेयर्स टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन एज स्टिपुलेटेड बाय आरबीआई इन दिस बिहाफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि क्या आप उनको ऑप्शंस इशू कर सकते हो, यस, क्या आप पार्टली पेड शेयर्स इशू कर सकते हो, यस, दोनों ही चीजें होंगी। नाउ इशू ऑफ एफसीसीबीज एंड डीआरएस, दोनों सेम स्कीम है, अलग नहीं जाना, कल आपसे पूछे द कंडीशन फॉर इशू ऑफ एफसीसीबी और डीआर, इट गोज सेम, एफसीसीबीज और डीआरएस मे बी इशूड इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फॉर इशू ऑफ एफसीसीबी एंड ऑर्डिनरी शेयर्स स्कीम 1993 एंड डीआर स्कीम 2014 एज पर द गाइडलाइन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसने बोला अगर आप डीआर इशू कर रहे हो तो आपने डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 1993 फॉलो करनी है, एफसीसीबी इशू कर रहे हो तो एफसीसीबी की स्कीम दी हम लोगों ने उसको फॉलो करना है, श्योर, पहला। सेकेंड, डीआरएस आर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, अच्छा इसका मतलब आपको विकास ने सिखाया होगा, आई एम प्रिटी श्योर, डीआरएस आर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ फॉरेन डिपॉजिटरी, बाहर की डिपॉजिटरी वहीं डीआर इशू करती है, इन अ परमिसिबल जुरिस्डिक्शन अगेंस्ट अ पूल ऑफ परमिसिबल सिक्योरिटीज इशूड और ट्रांसफर्ड टू दैट फॉरेन डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटेड विद अ डोमेस्टिक कस्टोडियन। अब तुमको जिन लोगों ने विकास का ये लेक्चर नहीं देखा है उन लोगों के लिए, इंडियन कंपनी जाती है अपने ही की डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास, आप इसे डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बोल लो या फिर इंडियन कस्टोडियन बोल लो बात बराबर है, कुछ भी नहीं है, सेम रखते हैं बन, ये जाती है डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास, ये बोलती है भाई देख मेरे को बाहर से पैसा रेज करना है, बाहर डिपॉजिटरी रिसीट इशू करनी है, पर बाहर वाला तो मेरे को जानता नहीं है, तो तू क्या कर एक आउटसाइड फॉरेन कंट्री में एक फॉरेन डिपॉजिटरी अपॉइंट कर और उसको अश्योरिटी दे, और उसको अश्योरिटी दे कि तेरे को मैंने मेरी कंपनी के शेयर्स दे दिए, उसको अश्योरिटी दे तेरे को मैंने मेरी कंपनी के शेयर्स दे दिए, मैं तेरे को शेयर्स दे देता हूँ, अब ये शेयर्स किसके पास है, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास, और उसने किसको अश्योर कर दिया,
फॉरेन डिपॉजिटरी को, और फॉरेन डिपॉजिटरी बाहर क्या करती है, डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करना चालू कर देती है। अब जब फॉरेन डिपॉजिटरी बाहर डिपॉजिटरी रिसीट इशू करना चालू करती है तो वो किसके दम पे डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर रही है, द अंडरलाइंग एसेट विद द डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, द अंडरलाइंग एसेट विद द डोमेस्टिक डिपॉजिटरी। यहां तक सब मेरे साथ हो, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। दिस इशुएंस इफ इट इज डन इन अमेरिका, यू मोस्टली से दैट इट विल बी डन बिकॉज ऑफ एडीआर्स। इफ आउटसाइड अमेरिका यू सेड जीडीआर, इफ इट इज इन इंडिया वी सेड आईडीआर। बट अगेन क्योंकि अभी एफडीआई की बात चल रही है तो आईडीआर तो आएगा ही नहीं, अपन बात ही एडीआर और जीडीआर की कर रहे हैं। नेक्स्ट अप, आपको एक ऐसा फन फैक्ट बता रहा हूँ, आई एम प्रीटी श्योर आपको सर ने बताया होगा, बस मेरी तरफ से बता रहा हूँ एक बार। अमेरिका के अंदर खाली एडीआर नहीं, एडीआर और जीडीआर दोनों चलता है, ठीक है ना। नेवर बी रेस्ट्रिक्टेड कि सर अमेरिका के अंदर एडीआर चलता है, नहीं, एडीआर भी चलता है जीडीआर भी चलता है। आपने कहा सर तो फिर फायदा क्या एडीआर बनाने का, देखो वो अमेरिका का एटीट्यूड है, वो एडीआर का रजिस्ट्रेशन सिंपली कर देगा, जीडीआर का रजिस्ट्रेशन में तुम्हारी पत्थर रगड़ देगा, तो तुम वहाँ जाने के बाद ज़्यादा फॉलोअप करने से अच्छा है कि एडीआर इशू करो। पर क्या तुम वहाँ पे जीडीआर लिस्ट कर सकते हो, इसका सवाल हमेशा हाँ है। कभी भी कोई पूछे ना, जीडीआर इज एक्सेप्टेबल ग्लोबली, एडीआर एंड आईडीआर आर रेस्ट्रिक्टेड टू द कंट्रीज। GDR is accepted globally, ADR and IDR are restricted. Coming back, a person will be eligible to issue or transfer eligible securities to a foreign depository for the purpose of converting the securities so purchased into DR in terms of depository receipts and guideline issued by Government of India. देख लो, next point भी आपके लिए cakewalk होना चाहिए। जो मैंने आपको ऊपर procedure समझाया, अब यहाँ पे depository receipt issue कर रही है, तो ये foreign investor खरीद लेगा? बस इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए प्लीज सारे पॉइंट रीड करें, एफ तक जल्दी, कोई गोबर नहीं करना। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। दिस इज ऑल सिक्योरिटी मार्केट। अगर आपने अपना एडीआर जीडीआर अच्छे से पढ़ा था तो आने वाला एक पेज आपके लिए एक वो होना चाहिए एकदम। क्या भाव लोग, समझा कि नहीं समझा, समझ गया? कोई डाउट हो तो पूछ, देखो अभी भी, वरना मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अब वापस ढूंढते रुको सर, आएगा। चलो भाई झालो, नहीं नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, ओहो सबका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अप इज फंजिबिलिटी। फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? फंजिबल तो पता है, वो डिपॉजिटरी फॉर्म में जब शेयर को डालते हैं तो शेयर फंजिबल हो जाता है, एक्सचेंजेबल होता है, उसका नंबर नहीं होता, आइडेंटिटी खत्म हो जाती है ना। मैंने पता था कि फिर से करोगे, मैंने इसीलिए प्रेशर लगवाया। आ जाओ, फंजिबिलिटी स्कीम की बात कर रहे हैं। अच्छा अगेन वैसे उसी वाले एग्जाम्पल के साथ चल रहे थे। व्हेन डज दिस फंजिबिलिटी वर्ड कम इन? व्हेन समथिंग इज एक्सचेंजेबल इनटू समथिंग वी से इट इज फंजिबल। श्योर एनफ, विकास सर चाहें तो प्रोफेशनल का फंडिंग पढ़ा सकते हैं और मैं आके एग्जीक्यूटिव का आपका सेबी पढ़ा सकता हूँ। वी बोथ आर एक्सचेंजेबल क्योंकि सेम सब्जेक्ट है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, वही प्रोफेशनल में, बस खाली एप्लीकेशन का फर्क है थोड़ा सा।
हमने कहा कि हम इंटरचेंजेबल है, वो यहाँ हो मैं हो कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट बिकम्स फंजेबल। बट मैं अगर अकाउंट्स पढ़ाने आऊँ और हरीश सर लॉ, ठीक है, तो मतलब आपका चार चार बार बलात्कार होगा, ठीक है, आप झटके में रह जाओगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर आपने क्या कहा, फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आप ADR GDR की बात करते हो, अब देखना दो तरीके की फंजिबिलिटी होती है, एक होती है वन वे फंजिबिलिटी और एक होती है टू वे फंजिबिलिटी। व्हेन यू से वन वे फंजिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको ADR GDR इशू किए हैं बेस्ड ऑन अंडरलाइंग शेयर्स, आपने ADR GDR होल्ड किए बेस्ड ऑन अंडरलाइंग शेयर्स, नेहा आपके लिए भी है वापस से आप, इट हैपेंस, मैंने ADR GDR इशू किए आपके लिए, आपने ADR GDR होल्ड किए जिसमें अंडरलाइंग शेयर्स हैं मेरी इंडियन कंपनी के, ADR GDR इशू किए और आप लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, एक साल बाद आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपने कहा अब नहीं चाहिए और आपने अपने ADR GDR रिडीम करने के लिए वापस भेज दिए। सो आई एम एन इंडियन ब्रोकर और यू आर फॉरेन इन्वेस्टर जिसने ADR खरीदे, मैं इंडियन ब्रोकर हूँ, नहीं आपकी कंपनी है, आपके शेयर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, इसके ऊपर मैंने बाहर आपको रिसीट इशू करवा दी, आपने ऑर्डर किया नहीं चाहिए, एक साल हो गया आपने मेरे को वापस भेजा, मैंने यहाँ पे शेयर्स बेच दिए, जो पैसे है मैंने आपको दे दिए, ठीक है एकदम। इन दिस कंडीशन जब मैंने शेयर्स बेचे और आपको दे दिए, इस केस में हो क्या रहा है, आपने बोला सर फंजिबल है, कभी भी डिपॉजिट रिसीट शेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है और कभी शेयर्स से डिपॉजिट रिसीट आती है, पर बात समझना, जब मैंने कहा ना इट इज़ वन वे फंजिबिलिटी, तो इसमें वापस जाने का रास्ता तो है पर मैं उसको फिर से कन्वर्ट करके आपको ADR GDR नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई इशूड यू ADR GDR एंड यू सेड रिडीम इट, दिस इज वन वे फंजिबिलिटी, आ गया मैंने आपको पैसे दे दिए, नाउ यू से आई वॉन्ट ADR GDR अगेन, मैं कहना ना ये क्या था, वन वे फंजिबिलिटी। टू वे फंजिबिलिटी, मैंने आपको ADR GDR दिया, आपने पैसे दिए, आपने कहा पैसे वापस चाहिए, मैंने पैसे वापस दिए और ADR GDR ले लिए, आपने कहा नहीं ADR GDR चाहिए, मैं कहा वापस ले लो, दिस इज टू वे फंजिबिलिटी। जब कन्वर्जन बार बार एक्सरसाइज किया जा सके इट इज टू वे, और जब कन्वर्जन सिर्फ एक बार किया जा सके और खत्म इट्स वन वे। बात समझ में आई, वन वे और टू वे क्या होता है। अब जब ये वर्ड बता रहा है आपको फंजिबिलिटी स्कीम, तो फंजिबिलिटी स्कीम का मतलब क्या है, कभी कभार कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन ब्रोकर को फोन करते हैं और बोलते सुन वो कंपनी तो बाहर आ नहीं रही ADR GDR करने, तू एक काम कर हमको तो खरीदने, तू वहां के मार्केट से सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स खरीद और उन शेयर्स के दम पे यहां पे क्या इशू कर दे, डिपॉजिट रिसीट इशू कर दे, और जब फ्यूचर में हमको पैसे वापस चाहिए होंगे हम तेरे को क्या बोल देंगे, शेयर्स वहीं पे बेच दे और उसका पैसा हमको भेज देना। क्या इसको मैं फंजिबल कह सकता हूँ? यस, दैट इज अ फंजिबल स्कीम। तो फंजिबल स्कीम का मतलब यहाँ पे वन वे फंजिबल की तरह समझना। फंजिबिलिटी मीन्स एक्सचेंजेबिलिटी। अंडर फंजिबिलिटी स्कीम अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर कैन परचेज शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग इन टू ADR एंड GDR बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टर्स एज पर द एप्लीकेबल गाइडलाइंस एन इंडियन कंपनी कैन अलाउ अप टू टू टाइप्स ऑफ फंजिबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स इन टू ADR एंड GDR। वन वे फंजिबिलिटी, टू वे। ऊपर जो आपने पढ़ा दिस इज वन वे फंजिबिलिटी, और नीचे आप क्या पढ़ रहे हो, आप टू वे फंजिबिलिटी। टू वे फंजिबिलिटी जल्दी से बता दो क्या होती है। मैंने आपको ADR GDR इशू किए, क्या आप मैं इसको रिडीम कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। क्या आप इसको वापस से रिकॉल कर सकते हो? यस। ये क्या चल रहा है, टू वे फंजिबिलिटी। प्लीज देख लें, अंडर दिस स्कीम अ होल्डर ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स कुड कन्वर्ट ADR इनटू शेयर्स एंड सच शेयर्स कैन ऑल्सो बी रिकन्वर्टेड इनटू DRs। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज टू वे फंजिबिलिटी। इट्स सिंपल। In other words, the shares so released can be reconverted by the company into DR for purchase by the overseas investors. Again, in other words, a limited two-way fungibility scheme has been put in place by the government of India for ADR GDR. Under this scheme, a stock broker in India registered with SEBI can purchase shares of Indian company. Bharat ka ek broker hai, Bharat ke shares kharidta hai company ke. Fir usko kya karta hai? Can purchase shares of Indian company from the market for conversion into ADR and GDR would be permitted to the on instruction received from overseas investors, reissuance of ADR GDR would be permitted to the extent ADR GDR which have been redeemed into underlying shares and sold in the Indian
मार्केट। तो इसने क्या बोला कि टू वे फंजिबिलिटी कहां तक चलेगी, मैंने आपको 500 शेयर्स के ऊपर एडीआर जीडीआर दिए थे, आपने एडीआर जीडीआर 200 शेयर्स का कन्वर्जन कर दिया और आपने कहा हमको शेयर्स चाहिए, एडीआर जीडीआर नहीं चाहिए। मेरे को बात बताना, अब यहां पे रीकन्वर्जन कितने शेयर्स का हो सकता है? खाली आपने कहा 200 शेयर्स का, क्यों? बात समझो, खाली एक मिनट समझना। ये मैं इंडियन ब्रोकर, आज भारत के बाजार से 500 शेयर्स खरीदे और फॉरेन में दे दिए 500 शेयर्स। मैंने 500 शेयर्स नहीं दिए, मैंने इनको क्या दिए, 500 की डिपॉजिट रिसीट्स। इन्होंने क्या बोला, कन्वर्जन करना है। कितने से कन्वर्जन करना है? 200 शेयर्स कन्वर्ट कर दे, मतलब 200 डिपॉजिट रिसीट्स कन्वर्ट कर दे। मतलब अभी भी इनके पास कितनी डिपॉजिट रिसीट्स हैं? आपने कहा अभी भी इनके पास 300 डिपॉजिट रिसीट्स हैं। और अब इनके पास शेयर्स कितने हो गए? 200 शेयर्स हो गए। बात सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, आज ये बंदा बोल रहा है कि मेरे को रीमटेरियलाइजेशन करना है, मेरे को वापस से डिपॉजिट रिसीट चाहिए, तो कितनी मांग सकता है? आपने बोला भाई 200, जितनी उसने वापस दी थी उतने की डीआर वापस मांगेगा। इसी को कहते हैं टू वे फंजिबिलिटी, जितनी आपने रिडीम करवाई थी उतनी वापस से रिकन्वर्ट हो सकती है। श्योर है? सिंपल है। जल्दी से नीचे एक डायग्राम देख लो यार, बस बस खत्म खत्म खत्म, आई स्टॉप। देख लो खाली एक डायग्राम देख लो एंड वी स्टॉप। हाँ जी सॉरी, देख लें पहली बार के पढ़ने की बात कर रहे हैं, सॉरी। डन है? अच्छा देखिए, बस जो ऊपर आप पढ़ के आए ना वही है। देखो एडीआर जीडीआर होल्डर रिक्वेस्ट, अच्छा भाई ये अपने फॉरेनर लोग हैं भाई, ठीक है क्या? इन्होंने रिक्वेस्ट की है, अब जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट तो हम ही करेंगे ब्रोकर को कि भाई उसको अपने एडीआर जीडीआर क्या करने हैं, कन्वर्ट करने। ब्रोकर ने कहा तो हमें कौन सी कमी पड़ी है? ब्रोकर ने क्या किया, कन्वर्जन करवा दिया। कन्वर्जन करवाने के लिए ब्रोकर ने पहले उनके एडीआर जीडीआर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ऑन इन रिटर्न सेलिंग ऑफ शेयर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। क्योंकि आपको पैसे चाहिए ना, तो शेयर्स तो बेच दूं तभी तो मेरे को पैसे मिलेंगे, पैसे मिल गए। और ये पैसे आपने किसको दे दिए, एडीआर जीडीआर होल्डर को दे दिए। दिस इज नथिंग बट अ फ्लो चार्ट ऑफ फंजिबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी डायग्राम को टू वे फंजिबिलिटी करना होता तो क्या करते, इसी डायग्राम को टू वे फंजिबिलिटी करना होता तो क्या करते? एडीआर जीडीआर होल्डर रीअप्लाइज फॉर शेयर्स, ये क्या बन गया, टू वे फंजिबिलिटी, क्योंकि उसने रीअप्लाई किया और अभी भी उसको कन्वर्ट करके आप दे रहे हो गया टू वे फंजिबिलिटी। और अभी तक अगर वो रीअप्लाई नहीं कर रहा, ये क्या है, फंजिबिलिटी। सिर्फ एक ही तरफ से क्या है, अगर उसने रीअप्लाई किया और ब्रोकर उसको वापस एडीआर जीडीआर देता है तो इस बार क्या बन गया, टू वे फंजिबिलिटी। सिंपल है, रुक जाऊंगा। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना। लेक्चर में बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।